दीपाली, इतनी देर क्यों? अब तो 10 मिनट बाकी है, सिर्फ कपड़े बदल। खैर, आज का मैदान तुम्हारे हाथ में है। सुबह से कभी उस जज के पास, कभी इस जज के पास, किसी को विस्की की बोतल, किसी को फलों का टोकरा। बहरहाल मैंने अपना काम कर दिया। आपके ख्याल में मैं फर्स्ट आ सकती हूँ? आ सकती हूँ, आ चुकी हो। कल सुबह के अखबारों में हेडलाइंस होंगी, मिस दीपाली ऑफ दिल्ली, ब्यूटी क्वीन ऑफ इंडिया। हेलो मिस्टरी, हेलो इस लफंगे अजीत का इस कंपटीशन से क्या मतलब? कौन नहीं जानता, ये खामखा का चौधरी है। जहाँ लड़कियाँ होंगी वहाँ ये होंगे। एक दो बार पहले पिट भी चुके। अच्छा, सिर्फ जेल जाने की नौबत बाकी है, सो आज पूरी हो जाएगी। यू आर राइट। एक्सक्यूज मी सर। यस, जरा डिलीवरी लड़की का ख्याल रखिएगा। शट अप, आई नो माय जॉब, गेट लॉस्ट। दोस्तों, आज की खूबसूरती का मुकाबला लैक्मे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ से हो रहा है। हर सुबह की चुनी हुई हसीनाएं आपके सामने पेश होंगी। पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के फैसले का अख्तियार सिर्फ जज साहबान को है। तो सबसे पहले जो आपके सामने आ रही हैं, वो हैं मिस मद्रास। जय ललिता स्वामी। साहबान के फैसले के मुताबिक लैक्मे क्वीन का खिताब मिस बंबई को दिया गया है। कांग्रेचुलेशन सविता। मुकाबले में दूसरे नंबर की हसीना है मद्रास की मिस जय ललिता स्वामी। मुबारक हो। और तीसरे नंबर पे हैं मिस कलकत्ता रीता रॉय। मुबारकबाद, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये जज लोग वाकई अंधे होते हैं। अगर आंखें होती तो इस हूर को नजरअंदाज करके उस बंदरिया को ब्यूटी क्वीन ना बना देते। कहां वो छिपकली और कहां तुम हुस्न की मूरत। मेरा दिल पहले से ही भरा हुआ है। क्या क्या सोचकर मैं बंबई आई थी, अब दिल्ली जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी। मिस दीपाली, मुझे अजीत कहते हैं और मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, इसलिए मुझे वोट देने का कोई हक नहीं। अगर ये अख्तियार मुझे होता तो मैं बगैर मुकाबले के ही हुस्न की मलका का ताज तुम्हें पहना देता। मिस दीपाली, मैंने जिंदगी में सैकड़ों ब्यूटी कॉम्पिटिशन देखे और हजारों खूबसूरत लड़कियों से जिंदगी में पाला पड़ा है, लेकिन यकीन मानो, तुम जैसी खूबसूरत लड़की ना ही मैंने कभी पहले देखी है।
अदा कर। इस हमदर्दी का शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो सच्चाई है। सूरज को भी कभी किसी ने आईना दिखाया? क्या आप मुझे सचमुच खूबसूरत समझते हैं? काश कि मैं शायर होता और मेरी हर नज़्म का मज़मून तुम होती। ये किताबी चेहरा, ये मकबूल आंखें और इनमें गुलाबी डोरे, ये फुलझड़ी जैसी मुस्कुराहट। खातिर की मेरे लिए अपना इतना कीमती वक्त जाया किया, काश तुम मेरे मामा से मिले होते। कौन जाने तुम्हारे मामा मुझे पसंद करें या ना करें। वो तो तुम पर लट्टू हो जाएंगे। आज तक वो यही समझते हैं कि मुझसे जो कोई भी प्यार करता है वो सिर्फ मेरे कुंवारे मामा की लाखों की जायदाद देखकर। लेकिन दीपाली, तुम्हारी असली जायदाद तो तुम्हारे देखते हुए गाल और लहराती हुई जुल्फे हैं। दो जहान की दौलत इन पर नछा। इंडियन एयरलाइन अनाउंसेस द डिपार्चर ऑफ। अच्छा जी, प्लेन का वक्त हो गया। कितने बेरहम हैं ये हवाई जहाज वाले जो मेरी जिंदगी को उड़ाकर मुझसे इतनी दूर ले जा रहे हैं। Hello.
आज नाचते नाचते मेरा सर घुमा, चक्कर से आने लगी, लेकिन पेट की खाते अपने आप पर भी जोर करना पड़ता है। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? अजीत, वही हुआ जिसका डर था। ओहो, लेकिन अब क्या हुआ? माना कि हमारी शादी मंदिर में हो चुकी है, लेकिन जंगल में फूल खिला किसने देखा? अब तो हमारी शादी जल्दी ही होनी चाहिए, वरना लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे। लेकिन क्यों? मेरा शरीर तुम्हारे प्यार का नन्ना सा बोझ उठाए हुए है। बस इतनी सी बात है? तुमने साथ अभी चलो, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो दो मिनट में तुम्हारे इस बोझ से तुम्हें छुटकारा दिलवा देगा। अजीत, क्या यही है तुम्हारी मोहब्बत? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं एक औरत हूँ। इसीलिए तो मैं तुम्हें उस आदमी के पास ले जाना चाहता हूँ। माँ बनने के बाद कैथरी गर्ल की कीमत क्या रहेगी? अगर तुम इनकार करते हो तो मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ से मिलती हूँ। एक औरत तो औरत के अरमान समझेगी। नहीं नहीं शरी, मुझे गलत समझ रही हो। हम कल सुबह ही दोनों माँ के पास चलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और फिर जल्दी से शादी भी कर लेंगे। लेकिन अजीत, मुझे डर लग रहा है, ऐसा ना हो कि माँ जी मुझे पसंद ना करें। तुम मेरी माँ को नहीं जानती, वो तुम्हें देखते ही खुशी से पागल हो। अरे अजीत, तुम्हें वो दिन याद है जब हम पहली बार इस जगह पे मिले थे? हाँ, क्यों नहीं, तुम अपनी सहेलियों के साथ और मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पिकनिक मनाने आया था। और याद है तुम लोग अपनी खाने की बास्केट स्टेशन पर ही भूल आई थी और सब लड़कियों ने मिलकर हमारे सैंडविचेस पर धावा बोल दिया था। अजी, मुझे इस जगह से बड़ा लगाव है। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर तुमने मुझे किसी वक्त धोखा दिया तो मैं यही से कूद के जान दे दूंगी। ऐसा क्यों सोचती हूँ? अभी तो हमारी शादी होने वाली है। ए भगोड़े की औलाद, इतनी सी आवाज से डर गया? तुम मर्द है क्या? अरे मर्द ही झाड़ के पीछे छिपते हैं, कोई गीदड़ नहीं। चल चल देखेंगे धमाका कैसा था। यार हो सकता है जिस हिरण पे हमने गोली चलाई थी वो भागते भागते यहाँ आकर गिर गया हो। तो गिर जाने दो, कौन तुमने उसका क्रियाक्रम करना है? अबे चल, अरे छोड़ो मुझे, नीचे काटे हैं। अरे ये तो लड़की है। अगर लड़की है तो फिर मेरी। शुक्र है भगवान का, नब्ज चल रही है। भगवान ने इनको मेरे लिए जिंदा रखा है। शट अप सुधीर, इसे किसी नजदीक के अस्पताल ले जाना चाहिए। चलो उसे एनजीओ वाले अस्पताल ले चलते हैं। ओके, मैं अभी जीप निकालता हूँ। लेकिन दो तीन महीने तक उठ नहीं सके, दाई टांग की हड्डी दो जगह से टूटी। कोई बात नहीं, मुझे लंबी भी चलेगी। चुप कर रहा है मेरी बेटा को, मेरे काम को। यस इंस्पेक्टर। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? I don't think so. You see, she's suffering from shock. अब इस वक्त ज़्यादा बातचीत करेंगे तो केस के बिगड़ने का डर है। आप दो तीन दिन ठहर जाइए। अच्छा, मैं दो तीन रोज बाद मरीज को वक्त पर लाकर तुमने बहुत अच्छा किया। क्या छिपी रेस्पिरेटर? मेरे पास क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम प्रीतम है। बड़ा प्यारा नाम है। मैं आप लोगों की चाय बनाऊंगा। जी शुक्रिया, देर हो रही है, घर पे माँ इंतजार कर रही होंगी। बड़े अच्छे लड़के हो जो माँ का इतना ध्यान रखते हो। माँ के तो बहुत सारे बेटे होते हैं, लेकिन बेटों की तो एक ही माँ होती है। अब इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। अपने बच्चों को भेजना। बच्चों में कह नहीं सकता लेकिन पोतों में चांस जरूर है। एक पीनी बोतल शेर की दूध से भरी हुई तुम्हारे होने वाले बच्चों में। अच्छा, तो हम पर शक है।
हम बाहर आकर जान देने वाले बच्चे हैं। अरे लड़की ऐसी हो कौन जान नहीं देगा। अच्छा क्या कहा? मैं तो तुम्हारी चौकी दिखाते रहा था। ओके बाय 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 बाय। आ जाओ भैया, भैया, भैया। क्यों क्या बात है? घर में आग लगी हुई और आप लोग भी जाकर सोए हुए हैं। मैं भी गोली मार कर जाऊंगा। उम्र 58 साल की है, लेकिन कटिया गए हो। गोली मारने से आग लगती है या बुझती है? बोल डर, तुम्हें तो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं असली आग के लिए नहीं रो रही हूँ। तो क्या आप नकली भी होती है? मैं तो उस आग के लिए चिल्ला रही हूँ जो हमारे खानदान की इज्जत के विरुद्ध में मेरे पानी ने लगाई। तो क्या तुम भागी? भागी किसी के साथ? भागी नहीं, भागने की तैयारी कर रही हूँ। कितना समझाया कि जवान लड़की को बम्बई जैसे नामवर शहर में अकेला ना भेजो। चखो इसका मजा। ये लड़की दिखी वहां किसी से आंख लड़ा कर आई। पढ़ो बहन पढ़ो, मैं भी तो सुनूं कि आजकल की जवान लड़कियां जवान लड़कों को किस किस्म के खत लिखती हैं। पढ़ो उस कमबख्त को भी लिखते हुए शर्म नहीं आती। मुझे तो पढ़ते हुए शर्म आती है। इसे लीजिए आप भी पढ़ लीजिए। माई डियर अजीत, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। तुम्हें पाने के लिए मैंने पिछले जन्म में कोई नेक काम किया होगा। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तुम समुंदर हो और मैं मछली हूँ, जल्दी से आ जाओ वरना तुम्हारे बगैर दिल्ली रेगिस्तान लग रहा है। कमबख्त इतना भी नहीं जानती कि दिल्ली राजस्थान में नहीं है, रेगिस्तान होगा। ए बहन, इस बार दीपावली चुराकी में जरूर फेल होगी। अजीत, तुमने मुझे जिंदगी दी है, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल झूठ। बहन दीपाली की माँ तुम हो, जिंदगी तुमने उसको दी है, तो फिर ये उल्लू का चरखा जिंदगी कैसे दे सकता है? दीपाली का ये खत पढ़कर तो मुझे बड़ी मायूसी हुई है। एक तो हिंदी का हैंड राइटिंग बिल्कुल बोझ है और दूसरे आइडिया बड़े घटिया है। इससे अच्छा लगा मैं तो मैं भी करता हूँ। इसलिए तो मैं अखबार में बैठे रहे। किसी के साथ भाग तो नहीं गई, और जिस लड़की के नाम ये चिट्ठी लिखी है वो लाखों में एक है। शरीफ खानदानी, पढ़ा लिखा और खूबसूरत। बाहर निकल गई चीज खूबसूरती, शर्म नहीं आती? माँ के सामने अपने कसूर बढ़ाकर क्या क्या बता रही हो? मम्मी, कौन सा कसूर किया है? रोना है अपने कमरे में जाकर, चलो जाकर। वो मुंबई वाला आ गया है। अरे जाने से तो आना नहीं था। एक तो लड़की बेवकूफ, दूसरे खूबसूरत, तीसरे आमिर। लड़का लड़की का पीछा नहीं करेगा तो क्या मेरा करेगा? मैं तुम चिंता नहीं करो, जब लीडर की मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है, और जब किसी नौजवान को अपनी जवानी बुरी लगती है तो वो मेरी बंदूक का निशाना बनता है। मैं भी जाता हूँ उसको 24 घंटे के अल्टीमेटम देता हूँ, अगर मुझे मारा खा नहीं किया मैं गोली मार दूंगा। ऐसा ना कीजिए, मैं उस लड़की को बहुत चाहती हूँ, अगर उसे कुछ हो जाए तो। बड़ा मत सुनना जी, मेरी बंदूरा वो तो आपके हाथ में है जी। अरे बड़ा मत करो, जल्दी से बता कौन है। लेफ्ट में, लेफ्ट में, ठीक है, थैंक यू। मामा जी, तू कहाँ चली? जी, आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन आप क्या? मैं लड़की का मामा हूँ। लड़की का मामा? कौन सी लड़की? दीपाली। दीपाली? हाँ, दीपाली।
जब मैं उसका मामा हूँ तो मेरी मौत हो नहीं सकती, यकीनन मेरी भांजी होगी और है। जनाब दीपाली आपकी मौसी हो या भांजी, मेरा इससे क्या वास्ता, ना मैं आपको जानता हूँ ना आपकी भांजी को। मिस्टर मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मुझे भी जानते हो और मेरी भांजी को भी। तुम्हें ये भी मालूम है कि मेरी भांजी मेरी लाखों की जायदाद की वारिस है। ये बंदूक देखिए तुम। देखिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ क्योंकि आप बुजुर्ग हैं। मैं बुजुर्ग होगा तुम्हारा बाप, मैं तो अभी तक सैन पर्तन को मारा हूँ। लेकिन आप मुझ पर इतना बरस क्यों रहे हैं, आखिर मेरा कसूर क्या है? ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी। अगर तुमने मेरी भांजी से मोहब्बत का नाटक खत्म ना किया तो मैं तो। लेकिन मैंने अभी तक मोहब्बत शुरू कहाँ की है? मेरी आंखों में धूल मत झोंको, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी जैसी कोई चीज चौधरी हुकूमत राय को हो ही नहीं सकती। मैं तुम्हारी किस्म के नौजवानों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम दीपाली से सिर्फ इसलिए प्यार जता रहे हो कि वो अमीर है। होगी और खूबसूरत भी है। दुनिया में हजारों खूबसूरत लड़कियां हैं, सिर्फ वो ही नहीं। बताओ मैं, कान खोल कर सुन लो, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तुमने ये जगह खाली नहीं की तो एक नौजवान लाश यहाँ पड़ी होगी। ये मंत्र कौन है? मेरा दोस्त। हे मिस्टर, अपने दोस्त से कह दो कि यहाँ से चला जाए, नहीं तो खाल में फुस भर कर आप उन्हें ड्राइंग रूम में वहां लटका दूंगा जहाँ पहले 99 शेरों के सर लटक रहे हैं, समझे? बाय 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 बाय। अरे अरे राम भरोसी, ये क्या कर रहे हो? प्रीतम हम लोग यहाँ शिकार करने आए हैं या शिकार होने? जान से प्यारी कोई चीज नहीं होती, वापसी का टिकट कटाओ। बड़े बुजुर्ग हो यार, एक पागल बूढ़े आदमी की धमकी से डर गए। मैं बूढ़े आदमी की धमकी से नहीं डरा हूँ, जवान बंदूक की नाली से डरा हूँ। तो मामला गलत फहमी का है। लेकिन लेकिन ये दीपाली क्या चीज है जिसकी तारीफ खुद उसका मामा कर रहा है? नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा तो आप बंबई से आए हैं जी? हाँ बंबई से आया हूँ। क्या आपकी भी कोई भांजी है? भांजी है जी, लेकिन घर में भिंडी बैगन टमाटर सब कुछ है जी। तो तुम्हें काम क्या है? काम दीपाली दीदी ने संडे से दिया है जी। अच्छा तो तुम दीपाली के यहाँ से आए हो जी? अच्छा जी, हाँ। अच्छा जी नमस्कार। नमस्कार डार्लिंग, तुम खबर दिए बगैर आ गए। मैं जानती हूँ मामा ने तुम्हें आकर खूब परेशान किया होगा, धमकी दी होगी, बंदूक दिखाई होगी, लेकिन तुम घबराना नहीं, आज शाम को 5 बजे लोदी गार्डन में मुझे मिलना। हम अपने प्यार को परवान चढ़ाने का रास्ता ढूंढ निकालेंगे। अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं जमुना नदी में कूदकर जान दे दूंगी। तुम्हारी दीपाली। प्रीतम प्यारे, जरा ये पता तो लगाओ कि ये पागलों का मोहल्ला तो नहीं है। पहले बड़ा पागल आया और वो गोली से मार देने की धमकी देके चला गया। उसके बाद एक छोटा पागल आया, वो नमस्कारम कह के चला गया। अब तीसरे ये पागल लड़की की चिट्ठी जो कि ना मिलने पर खुदकुशी की धमकी दे रही है। प्रीतम यहाँ से भाग चलो, और अगर रेल का टिकट नहीं मिलता है तो बाइसाइकिल पे ही चलो, लेकिन यहाँ रहना धर्म नहीं है। मर्द बन यार, मर्द बन। अगर इस चीज से घबरा गया तो शेर का शिकार कैसे करेगा? मैं शेर के शिकार से नहीं डरता, लेकिन यहाँ तो मामला आन पड़ा है शेरनी का। डार्लिंग राम पर भरोसा करो, अगर ये शेरनी काम की हुई तो हम इसे प्यार की जंजीर से बांध कर बम्बई अपने साथ ले चलेंगे। नॉट ए बैड आइडिया। जिक्र जब छिड़ गया कयामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक। आपने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ आपसे। कौन है आप? आपकी जुल्फों का कैदी, पांव की खाक, हुस्न का दीवाना। जरूर कोई पागल हो, तुम्हारा इस तरह खुला घूमना पब्लिक के लिए खतरनाक है। हा? हो सकता है, लेकिन यही बात आपके लिए भी लागू होती है। क्या आप जैसे हसीन लड़की को भी खुले मुंह पब्लिक में आने की मनाही होनी चाहिए? वरना आपके उठते हुए शबाब, डबल स्कॉच आंखों और शैतूत जैसे मीठे होठों से राह चलते हुए लोगों को मोहब्बत का मलेरिया हो जाने का अंदेशा है। यूं नहीं मानोगे, पुलिस को बुलवाना ही पड़ेगा। पुलिस की क्या जरूरत है, प्यार के जहां की निराली सरकार है, मोहब्बत के थाने में ये दिल थानेदार है। मिस्टर यहां से दफा हो जाओ, तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूं और क्या हूं, और जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं आपका प्रेम पत्र जब तक मेरी कमीज के पीछे, मेरी बनियान के नीचे, मेरे दिल के साथ चिपका रहेगा उस वक्त तक मौत मुझे गाजर के हलवे की तरह मीठी लगती रहेगी। लेकिन तुम जैसे लाल भुजक्कड़ को प्रेम पत्र लिखा किसने? अब ये चोरी और सीना चोरी वाली बात हो गई। ये देखिए,
ये चिट्ठी आपकी है, हैंडराइटिंग भी आप ही का है और मजमून खैर वो तो आपके दिल के ख्यालात हैं। लेकिन ये खत तुम्हें मिला कैसे? आपके आदमी ने दिया। ओ माफ कीजिए माफ कीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसी एक गलती और हो जाए तो अपनी जन्नत बन जाए। देखिए मैंने और मेरे मामा ने ये समझा था कि बॉम्बे से वो आए हैं। क्या हम वो नहीं हो सकते? ये चिट्ठी मुझे वापस दे दो। हद हो गई, ये चिट्ठी तो मेरी जिंदगी के अकाउंट की पासबुक है। मैं अपनी जान दे सकता हूँ लेकिन ये चिट्ठी नहीं दे सकता। तो रखिए अपने पास, चाटिए इसे। अरे जा रही हैं आप जन्नम में, वहाँ बड़ी गर्मी होती है। मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं आपको पंखे से हवा करता रहूंगा। हिपाली दीदी रंग गलत है, को मालूम पड़ गया जी तुम वो झोंके से मिलकर आ रहे। लेकिन माँ को कैसे पता लगा? अयो ये आपको क्या मालूम जी, लेकिन माँ जी गुस्से में लाल पीले हो रहे। आ गई तू, मैं तेरी ही राह देख रही। माँ की बच्ची चला के मेरे पास काट रही है, नाक में दम कर दिया। लेकिन धर्म की बात तो यह है कि दीपाली से मिलने के बाद मैं खुद पागल हो गया। अच्छा प्यारे, ऐसी चीज है वो? चीज की बात पूछते हो? परियों में कोकाब की परी, बुतों में अजंता एलोरा का बुत, फलों में कश्मीर का सेब। बस बस बस, मेरा धर्म खराब मत करो, मैं आ गई अकेला हूं। दरवाजा खोलो। लो वो पागल बूढ़ा फिर आ गया। अरे दरवाजा खोलो नहीं तो तोप से उड़ा दूंगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं 10 तक गिनता हूँ, अगर 10 गिनने तक दरवाजा नहीं खुला तो किसी की खैर नहीं, समझे? 1, 2, 3। बेटा मैंने तो अभी 3 तक की कहा है, 10 पूरे कहा हुए हैं और फिर बंदूक का जवाब बंदूक से नहीं देते, इसको नीचे कर लो। आप बंदूक से डराना भी जानते हैं और डरना भी? ऐसी कोई बात नहीं है, बात यह है कि तुम अभी बच्चे हो और बेटा बहुत नाजुक हो, नाजुक बच्चे ऐसे खतरनाक हथियारों से नहीं खेला करते। चलो इसका मुंह उधर कर दो, उधर कर दो। तुमने अभी तक ये मकान खाली क्यों नहीं किया? फिर से बंदूक का क्या मतलब? मैं तो शिकार पे जाने के लिए बंदूक को साफ कर रहा था। शिकार पे जाने के लिए? क्या कहा तुमने? हाँ शिकार पे जाने के लिए। शिकार, वेरी गुड, तुम शिकारी हो? शिकार तो हमारा खानदानी शौक है। वंडरफुल, फिर मैं गांव से नाराज हो रहा था। अब कोई परवाह नहीं, शिकारी के तुम्हें 100 गुना माफ कर सकता हूँ। घूम जाओ। ये शिकार का शौक तुम्हें कब से? जी बचपन से, मेरे पिताजी हिंदुस्तान के नामवर शिकारी थे। अरे ऐसा कौन सा नामवर शिकारी है जिसको मैं नहीं जानता, क्या नाम था उनका? लाला लोपी प्रसाद। अरे रे 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 रे, वो तुम लाला लोपी प्रसाद के बेटे हो? अरे वो लोपी प्रसाद जिसको देखकर जंगल के जानवर अलोप हो जाते थे। अरे वो तो इतने बड़े शिकारी थे कि इंसान तो इंसान, जानवर भी उनको अच्छी तरह जानते थे। एक बार अफ्रीका के जंगल में एक आदमखोर शेर ने उनको देखा और अपनी खाल छोड़कर भाग गया। लेकिन मेरे पिताजी अफ्रीका तो कभी नहीं गए। तो अमेरिका होगा। लेकिन उन्होंने तो अपनी सारी जिंदगी भोपाल के जंगलों में गुजार दी। अरे याद आया, मेरी याददाश्त तो क्या हो गया है, भोपाल में ही मैं उनसे मिला था। मैं जिस शेर का पीछा कर रहा था वो भी उसी शेर के पीछे थे। जब हम बिल्कुल करीब हुए तब हमें पता चला कि वो शेर नहीं था बल्कि जंगली कुत्ता था। कुत्ते का क्या नाम है? मेरे तुम्हारे दोस्त का क्या नाम है? राम भरोसे। ओ इसको राम के भरोसे रहने दो। तुम्हारा क्या नाम है? प्रीतम। ओ वेरी गुड नेम। प्रीतम जब तुम छोटे से थे तब तुम्हें आलोपी प्रसाद जी की गोद में मैंने देखा था और अब माशाल्लाह क्या डील डाउन निकली है, क्या कद है, क्या सूरत है। जी तेरा बेटा, अजो बेटा अगर तुम मुझे रख लो तो बिल्कुल आलोपी प्रसाद नजर आओगे। लेकिन मेरे डैडी की मुझे कभी नहीं थी। अरे तुम्हें नहीं मालूम थी, जब शिकार पे जाते थे रख लेते थे। आज सतपुर फखर से मेरा सब कुतुब मीनार हो गया है। फखर किस बात का? फखर इस बात का कि तुम मेरी भांजी के प्रीतम हो। और किस बात का? अरे दीपाली भी कितनी खुशकिस्मत है जिसको तुम जैसा नौजवान खूबसूरत जीवन साथी मिल रहा है। देखो बेटा मेरी धमकी वमकी से डरना वरना नहीं, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। किस बात की? अरे मेरी भांजी से मिलने जुलने की और किस बात की, शुरू हो जाओ। आप ये दिल से कह रहे हैं? और नहीं तो क्या, नाक से कह रहा हूँ, कमाल आदमी है। देखो बेटा कल मैं अपनी भाजी को यहाँ लेकर खुद आ रहा हूँ। क्या जोड़ी है, प्रीतम और दीपाली, दीपाली और प्रीतम। खाना खा ले। नहीं खाऊंगी, मुझे भूखा मरना है। धमकी देती है, समझती है धमकी से डर के तो छुट्टी दे दूंगी। मत दो, मैं इस दुनिया से ही छुट्टी कर जाऊंगी। जो मर्जी कर, याद रख
अब तो ये कमरा उस वक्त खुलेगा जब वो मुर्दुआ यहाँ से चला जाएगा। मुझे अभी अभी सुंदरम ने आके बताया है कि उसने तभी तक यहाँ डेरा डाला हुआ है। अरे बहन, तेरी जुबान चलती है तो फ्रंटियर मेल की तरह चलती है। इधर मेरी बात सुन। देख बहन, जवान लड़की है, अगर ज्यादा सख्ती की तो कुछ कर बैठेगी या भूखी मर जाएगी। तो क्या करूं भैया, हिरनी की तरह चौकड़ी भरती है, उन्हें भी तो नहीं छोड़ सकती। ऐसा करता हूँ कि आज उसे मैं हंटिंग क्लब में ले जाता हूँ, वहाँ जाकर कुछ खा पी लेगी। भैया अगर वहाँ से खिसक कर उसे मिलने चली गई तो? अरे गोली मार दूंगा। लेकिन भैया जरा कड़ी नजर रखना। अरे नजर क्या होती है बहन, मैं उसके कंधे पर बंदूक रख कर बैठूंगा। ओहो, शेव बना रहे हो आप? मगर तुम्हें शेव की क्या जरूरत है, कुछ जवान ऐसे भी होते हैं जो हर रंग में खूबसूरत नजर आते हैं। माफ करना, आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए ना, बैठते क्यों नहीं? क्या पियेंगे आप, ठंडा या गर्म? नहीं बेटा, आज ठंडे और गर्म दोनों की जरूरत नहीं। देखो मैं दीपाली को यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, तुम बच्चों के बीच में मैं बूढ़ा क्या करूंगा, एक आध घंटे के बाद आकर वापस ले जाऊंगा। दीपाली बेटा, ये भी अब मेरा बेटा है, घबराना नहीं, इधर खुल के बात करना। ओके बाय बाय। कल तक तो ये जिद थी कि नमू देखेंगे उनका, और आज ये आलम है कि खुद दर पे खड़े हैं। कहिए मिजाज कैसे हैं? मिजाज तो अच्छे हैं, लेकिन भूख लगी है। मुझसे ज्यादा? आप भी भूखे हैं, चलिए रसोई में चलें। ओ, आप पेट की भूख की बात कर रही हैं? मैं तो मोहब्बत का भूखा हूँ। वो तो आपकी शक्ल से जाहिर है, जल्दी से बताइए रसोई कहाँ है। चलिए रसोई उस तरफ, लेकिन नौकर नहीं है, अलबत्ता खाना बना कर रख गया है। अच्छा, खाना तैयार है? जी हाँ, आप ठहरिए, मैं प्लेट में डाल के लाता हूँ। आप यहाँ ठहरिए, मैं खुद ले आती हूँ। कहो प्रीतम प्यारे, क्या बात है, अकेले ही चक्कर लगा रहे हो? कहाँ है उस बूढ़े पागल की जवान भांजी दीपाली? रसोई में। भूखे को खा पी आते हैं तो रसोई के आते हैं। इससे पहले कि तुम ये समझोगे ये किसी लड़की की आत्मा है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ये है दीपाली। ओहो, अच्छा तो आप ही दीपाली हैं? तो आप क्या समझे मैं नेपाली हूँ? मैं समझा आप भोपाली हैं, क्योंकि इनके पिताजी भी भोपाल के थे। ये भोनचाल कौन है? ये मेरा बहुत बड़ा दोस्त है। नजर तो ये छोटे से आते हैं। इसी में मेरा बड़ापन है, मेरा नाम राम भरोसे है, मुझ पे भरोसा रखो। राम भरोसे, वो तुम्हारी 11 बजे की अपॉइंटमेंट का क्या हुआ? वो तो मैंने 10 बजे ही कर ली। हाँ, तुम्हारा एक फोन आया था, फोन वो मैंने सुन लिया था, मैं तुम्हारे जाने के बाद आया था, बाद। अरे बेवकूफ, मैंने जाने के पहले सुन लिया था, पहले। फिर से जाके सुनो, फिर से। ओहो, तुम्हारा वो मतलब है। हाँ। मैं भी खोता हूँ दीपाली जी, वैसे तो मैं आदमी बड़ा महाविद्वान हूँ, लेकिन जरा देर से समझता हूँ। अच्छा भोपाली जी नमस्ते। मेरा नाम भोपाली नहीं। भोपाली हो या अम्रपाली, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन, नमस्ते। दीपाली, सच बात तो ये है कि तुम सर से पांव तक खूबसूरती का एक मुजस्समा हो। एक चपाती डाना। चपाती? ये लो, एक मेरी तरह से भी खा लो। दीपाली, मेरे बारे में तुमने क्या राय कायम की है? कड़वी है। कड़वी है? मिर्च। दीपाली, अगर मुझ में क्या खराबी है? खूबसूरत हूँ, सेहत भी अच्छी है, 25 साल की उम्र है, पैसे भी अच्छे कमा लेता हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए? दाल। दाल? ये लो दाल, और कुछ? पानी। ये लो। दीपाली, क्या मैं तुम्हारी तनहा रातों का साथी बन सकता हूँ? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मुझे आपका खाना पसंद है। मेरा खाना पसंद है? मैं नहीं बनाया, तुम मुझे अपना कुक ही समझ लो। आप कुक नहीं, क्रुक जरूर हैं। अभी आपने कहा था खाना नौकर बनाकर गया है, रुमाल दीजिए। हाँ।
अच्छा अब मैं जाती हूँ। वाह खाए पिए और चल दिए, असली बात तो अभी बाकी है। अब कुछ बाकी नहीं, मुझे तो अपनी एक सहेली से मिलना था, इसलिए ये मौका पाकर मामा के साथ यहाँ आ गई। ओ आए बैठे खाए पिए किसके, ओ आए बैठे खाए पिए किसके, ये अच्छी सूरत वाले यार किसके, हाँ किसके, आए बैठे खाए पिए किसके, ओ आए बैठे खाए पिए किसके, ये अच्छी सूरत वाले यार किसके, हाँ किसके। ओ देने वाले ने दे दिया मुखड़ा, जो बन गया दिल वालों का दुखड़ा, क्या अच्छी सूरत पाई जैसे लूट ले खुदाई, दिल तोड़े होंगे किस किसके, हाँ हाँ किसके, आए बैठे हाय आए बैठे खाए पिए किसके, ये अच्छी सूरत वाले यार किसके, हाँ किसके। इनकी है जमाना इनका, नजर इनकी है निशाना इनका, कमर लटका के चले जो बल खाके, तो रह जाए दिल पिस पिस के, हाँ पिस के, आए बैठे हाय आए बैठे खाए पिए किसके, ये अच्छी सूरत वाले यार किसके, हाँ किसके। इनको तो वास्ता अपनी अदा से, ओ कौन मरा कौन लुटा इनकी बला से, सितम किए जाए पता भी न लगाए, ये कौन रोए कौन सिसके, हाँ सिसके, आए बैठे हाय आए बैठे खाए पिए किसके, आए बैठे खाए पिए किसके, ये अच्छी सूरत वाले यार किसके, हाँ किसके। भगवान के लिए मुझे इस तरह परेशान ना करो। परेशान तुम मुझे कर रही हो या मैं? प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। कहती नफरत है मुझसे? मुझे तुमसे नहीं किसी और से मोहब्बत है, मेरी माँ ने मुझे घर में बंद कर रखा था, अब मौका पाकर अपने मामा के साथ तुम्हारे पास चली आई। दरअसल मुझे एक चिट्ठी डालनी थी। किसको? जिसे मैं चाहती हूँ। मामा और भांजी में कितना फर्क है, वो तो मुझे बेहद पसंद करते हैं, उनसे क्या कहोगी? साफ साफ कह दूंगी कि तुम वो नहीं हो। जरा सोच दीपाली, उनका दिल टूट जाएगा। तो फिर ये कह दूंगी कि तुम्हारा और मेरा झगड़ा हो गया है हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया। किस बात का? इस बात का कि तुम मुझे समझ गए हो और मेरा साथ दे रहे हो। लेकिन दीपाली तुम ऐसी चीज नहीं हो जिससे कोई इतनी जल्दी भूल जाए, क्या आओगी तड़पाओगी, फिर मैं अपने दिल को समझाने की कोशिश करूंगा और कर क्या सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। शरी, शरी, पुलिस कहाँ है? पुलिस कहाँ है? मर्द औरतों की जान लेने के लिए पैदा होते हैं, लेकिन औरत मर्दों को जान लेने के लिए। ये तुम क्या कह रही हो शरी? ये तो बड़े प्यार से तुमने मेरे मुंह पर तमाचा मारा है। मैं तो सचमुच एक बहुत कमीना और जलील इंसान हूँ शरी, मुझे इससे बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन शरी
मुझे मौका दो कि मैं अपनी तमाम बुराइयां पछता कर याद में जलाकर एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। मैं दिल्ली हुआ हूँ। तुम्हारे मेरे दोस्त का फैसला हो गया तो मैं लाखों रुपए बन जाऊंगा और तुम तो शादी करना। तो तुम वो बंबई वाले लड़के नहीं हो? जी हाँ, आपको गलतफहमी हुई थी इसलिए साफ साफ बता दिया। एक बात और बताओ जी, तुम दीपाली से मोहब्बत करते हो या नहीं? जी 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 मत करो, बैठो बैठो बैठो। जो मैं पूछता हूँ साफ साफ बताओ, तुम दीपाली से मोहब्बत करते हो या नहीं? प्यासा कोई से मोहब्बत नहीं करेगा तो किससे? अरे शाबाश शाबाश, क्या मुहावरा बोला है। अरे प्रीतम, तुम्हारी और दीपाली की शादी पक्की। नहीं अंकल, दीपाली को तो मेरी सूरत तक नहीं पसंद है। अरे कबड़ा नहीं, शादी के बाद उसको तुम्हारी हर चीज पसंद आएगी। मैं आज ही शादी का मुहूर्त निकाल रहा हूँ। मुहूर्त से क्या फायदा, मैं जानता हूँ दीपाली कभी मेरी नहीं हो सकती, इसलिए मैं अपने टूटा हुआ दिल लेकर शिकार पर जा रहा हूँ। फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। दो तीन साल से शीरो को हमसे ये शिकायत है कि हमने उनको अपनी बंदूक से नवाजा नहीं है। जो बेटा, मैं दीपाली को भी साथ लेकर चलूंगा। मैं शेर का शिकार करूंगा और तुम दीपाली से बातचीत करना। थैंक यू अंकल। मैं समझ रहा हूँ जंगली जानवर था। जानवर को जानवर ही नजर आ रहे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई अंदर ये सवाल करता तो जवाब देता, आदमी बंदूक लेकर जंगल में किसका पीछा करता है? मैं जानती हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तुम्हारा आपका खूबसूरती तो अलग चीज है, मैं शेर का पीछा कर रहा हूँ। तुम्हारा पीछा करना होता तो फिर बंदूक की क्या जरूरत थी? फूलों का हार लेकर आया था, तुम्हारे लीलाओं में पलके बिछाता। तुम्हारी मामा भी है? हाँ मामा भी है, लेकिन तुम्हें उनसे या मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। आखिरी मुलाकात, ठीक है, चल तुम्हारी मदद कर पाए। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। क्या? ले जाओ। What nonsense? हाँ हाँ ले जाओ, उधर देखो वो शेर है, ले जाओ। आमा चाय। चाय नहीं रख दो, अभी तो डर के मारे मेरे हाथ कांप रहे हैं। अयो आमा, तुम नकली शेर देखो तो ये हालत है, असली देखेंगे तो तुम्हारा प्राण उड़ जाएगा। जी क्या कहा, नकली शेर था वो? आमा तेरे पति बालाजी वैकुंठ शर्मा को साबुन लगा के बोलता है जी, वो नकली शेर था। हमारे बात का विश्वास नहीं आता तो तुम राम भरोसे पे तांबो में जाकर देखो, वो नकली शेर पेट में घास भर के सोते जी। अच्छा अभी देखती हूँ। इधर के बाद उधर, उधर के बाद इधर, इडली हमारा रसम सापड़ सापड़। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सर आपका है, मैं आपका हूँ, फिर जान क्या क्या जरूरत है? तबीयत कैसी है? बस जी रहे हैं, जिंदगी आपकी इनायत है, वरना हम कब के मर गए होते। लेकिन प्रीतम जी, आप में एक हर शेर के साथ लड़ने की ताकत कैसे आ गई? दीपाली जी, बात यह है कि ये शिक्षा मैंने अपनी माँ से पाई है। मेरी माँ का कहना है कि हर कुंवारी लड़की शक्ति का रूप होती है, और आपसे जान पहचान होने के बाद इसकी शक्ति मुझ में आ गई है। शेर को आप पर हमला करते दिन दिन में बड़ा शेर बन गया। लेकिन मेरी माँ ने तो मुझे कुछ और ही शिक्षा दे रखी है। वो कहा करती है कि बेटी, कुंवारे लड़के दुनिया भर के झूठे और मकार होते हैं। अगर कभी कोई लड़का तुमसे ये कहे कि वो शेर बब्बर है तो तुम उसे चूहा ही समझना। ओ दिवाली, वो तो जवान दिलों के बीच में माताओं की बात आ गई, और बात करते हैं। अच्छा का शिकार करने का
अच्छा अच्छा फिर मैं नंबर पर गोली उड़ा रहा था। नहीं 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 तुम ठीक कहती हो, मैं खुद अपना मुंह नहीं देखना चाहता। बड़े आए थे सूरमा बन के, घर में चूड़िया पहन के बैठो, कले जाइए। दीपाली, मैं सुबह की बात के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। हाँ भरोसे, इधर आ, उनसे कहूँ मैं बात नहीं करती। बोल तो रही हैं आप? उनसे नहीं करती। मैं समझ गया राम भरोसे, उनसे कहो कि प्यार करने वाले का एक कसूर तो माफ करते ही है। प्यार करने वाले का एक कसूर? मैंने कुछ नहीं सुना। आपने कुछ नहीं सुना? बड़ी जालिम लड़की है, बड़ी जालिम लड़की है। ये मेरा नहीं, इनका ख्याल है। उनसे कहो जुबान बंद रखे। जुबान बंद रखिए। दीदी मालिक, मेरी बंदूक कहाँ है? वो तो आपके हाथ में है, हाथ चला दीजिए मालिक। होपलेस। क्या हुआ बेटा? मुंह फेर की बात करती है। अरे मोहब्बत में मुंह पहले टेढ़ा होता है, बाद में अपने आप सीधा हो जाता है। लेकिन इसका मुंह सीधे होते नजर नहीं आता। हिम्मत ना हारो बेटा, तुम शिकारी आदमी हो, अगर एक निशाना चूक गया है तो दूसरा लगाओ। ठीक है। अरे बाबा, यहाँ किस फिल्म का शूटिंग हो रहा है? क्या मेकअप किया है? इस फिल्म के हीरोइन कौन है? रुको मत, तुम चाप हमारे साथ चलो। अरे चल चल चल, गोली मार दूंगा। चल चल चल। ये बनवासी है, इनसे मत उलझिए और गोली मत चलाइए। एक को मारोगे तो सौ आ जाएंगे। देवी डरो मत, हम स्त्रियों का मांस नहीं खाते, हम सिर्फ पुरुषों का मांस खाते हैं। ओ महाराज, आप इस पक्षी का मांस मत खाना, ये बहुत जहरीला है। मुझे एक कुत्ते ने काटा था, कुत्ता मर गया। तुम्हारे शरीर का विष निकाल कर तुम्हारा भोजन करेंगे। मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। होता है, जानता है जंगल का नियम, जो नैनों से नीर बहाता है उसका मांस सबसे पहले खाते हम। मैं कहां रो रहा हूं, ये तो खुशी के आंसू है। देवी, तुम्हारी सुंदरता की सौगंध मैं अपने खानदान में पहला लड़का हूँ। सात बहनों का एक भाई, मेरी उम्र अभी मरने की नहीं है, फिर मैंने तो अभी किसी लड़की से प्यार भी नहीं किया। मुझ पर दया करो। हमको तुम पर बहुत दया आती है, हम अपने बाबा से कहकर तुम्हारे प्राण बचा सकते हैं, परंतु हमारे बाबा बहुत बीमार है। कौन है आपके बाबा? इस जंगल के महाराज। ओ, तो आप यहाँ की राजकुमारी हैं? राजकुमारी साहबा, भगवान आपकी सुंदरता में चार चांद लगाए, आपके बाबा की आयु लंबी करे, मगर हमारी जान बचा लीजिए। आप में से कोई मेरे बाबा का रोग दूर कर सकता है? अच्छा, हाँ मैं हूँ, मैं मेरा मतलब डॉक्टर साहब है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आप इनके साथ जाइए और इनके बाबा को ठीक कीजिए। हाँ हाँ, तो चलिए मेरे साथ। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपका बैग देख लेता हूँ। तो आप वैद है जी? महाराज। महाराज धीराज, आप तो बड़े पहुंचे हुए डॉक्टर हैं, इन्होंने दो मुर्दे भी जिंदा कर दिए हैं। अच्छा, तो आप हमारे छाती की पीड़ा बंद कर देंगे तो हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। महाराज, दो मिनट में मैं ठीक कर दूंगा। जल्दी करो, जल्दी करो, घबराइए मत। ये पीड़ा शुरू की या बंद की? महाराज शांति शांति, एक मिनट में ठीक हो जाओगे। भीलू, इन सबको स्वतंत्र कर दो, ये आज से हमारे बंदी नहीं, हमारे मेहमान हैं। आज रात को इनकी खातिर करो। हाँ, और सुनो, हमारे जंगल के किसी कन्या को किसी ने छेड़ा तो मैं कच्चा खा जाऊंगा। हाँ। आप निश्चिंत रहिए, हमारे पास शहर की कन्या है, जब हम उसको हाथ नहीं लगाते तो हम जंगल की कन्या को क्यों छेड़ेंगे? वाह।
राजा तो ही नैनो से मदिरा पिलाए दूं, राजा तो ही नैनो से मदिरा पिलाए दूं, तू पीत का खिलाड़ी मगर है अनाड़ी, आजा दांव में सिखाए दूं। राजा तो ही नैनो से मदिरा पिलाए दूं, राजा तो ही नैनो से मदिरा पिलाए दूं। नाम है ये शिवलिंग तो सुना था पर डार्लिंग नहीं सुना। डार्लिंग प्रियतमा को कहते हैं, उस कन्या को जिसे देखकर मन में प्रीत जागे। प्रीत? हाँ मेरी रानी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरे मन ने तुम्हें अपनी रानी समझ लिया है। क्या तुम भी मेरे बाबा की तरह कहीं के राजा हो? हाँ मेरी पटरानी, मेरी राजधानी तुम्हारे बाबा से भी बहुत बड़ी। क्या नाम है उसका? पानी पुड़ी, जिसमें है तो सब कुछ लेकिन महाराजा गोलगप्पा के पास जंगल की चटनी नहीं है। चटनी? क्या होती है? पुदीने की छोटी बहन। पुतली बाई, जब तुम मेरे साथ मेरी राजधानी बंबई चलोगी तो दादर मटुंगा बांद्रा हाथ जोड़कर तुम्हें प्रणाम करेंगे। बोरीवली और कांदीवली खास तौर पे तुम्हारी सहेलियां बन जाएंगी। ये देखो महाराज, चार टांगे। तो क्या हुआ, जंगल में चौपाए तो रहती है? अच्छा अच्छा अच्छा, जरा आंखें खोल के देखो महाराज, ये कुछ गड़बड़ वाले चौपाए हैं जी। हाँ चलो दिखाओ। चलो जी, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर। क्या? चलो जी, चलो जी। अरे मेरे पापा। बुड्ढा जी, पापी, तूने मेरे जंगल का नियम तोड़ा है, तूने मेरे संतान को भ्रष्ट किया है और मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। अगर आप मुझे कच्चा खा जाएंगे आपको गैस की शिकायत हो जाएगी। मैं तो आपकी बेटी को अपनी राजधानी की बातें सुना रहा था। अब मैं तुझे अपने राज का कर्तव्य सुनाता हूँ। बोलो, पकड़ो इसको, पकड़ो।
ये असली शेर। मैं बाबा को बताए बगैर जा रही हूँ, उनको बहुत दुख होगा, वो तो शर्म के मारे किसी को मुंह ही नहीं बता सकेंगे। शादी के बाद मैं तुम्हारे बाबा को भी वहीं बुलवा लूंगा, और जब वो देखेंगे कि उनकी बेटी कितनी बड़ी राजधानी की मालकिन है तो खुशी के मारे उनका सर नीचा हो जाएगा। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है सर ऊंचा हो जाएगा। महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जब कभी शहर आए तो हमें दर्शन जरूर दें। अवश्य अवश्य, तुम्हारे शहर में पुरुष का मांस खाने को मिलेगा। अरे पुरुष क्या बात हो, आपको महापुरुष का मांस खाने को मिलेगा। माने के नकली जीता जी राम भरोसे का उठो। ओ माय गॉड, ऐसे लगता है कि चौधरी साहब को हार्ट अटैक हो गया है। अजीब बात है, इतने बड़े शिकारी और एक नकली शेर देखकर बेहोश हो गए। प्रीतम बाबू, शेर भी नकली था और शिकारी भी नकली। चौधरी साहब ने कभी जिंदगी में बंदूक नहीं चलाई है और कभी जिंदा शेर भी नहीं देखा है। ये बात है, ये बात हम दोनों में कहनी चाहिए। चलो दीपाली बेटा, डॉक्टर से पूछो कि शेर की तबीयत कैसी है, उसको भी होश आ गया है ना? डॉक्टर साहब, अंकल ठीक हो जाएंगे ना? हाँ ठीक हो जाएंगे, घबराने की कोई बात। अच्छा महाराज, अब इजाजत है। जय हो जय हो। महाराज बंबई जाने से पहले मेरी भूल चूक के लिए मुझे क्षमा करना है। अच्छा अच्छा, जंगल की हवा में मेरा मन लग गया था, वरना मैं कन्या और केले के छिलके से बच के निकलता हूँ। बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा करते हो। दो चार साल ब्रह्मचर्य का और पालन करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर ये पालन करने दे तो ना। ये कौन है? योर ओन डॉटर। डॉक्टर, पुरानी शराब नई बोतल में, इसको भी आशीर्वाद दीजिए, आप ही का बच्चा है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बहुत अच्छा लड़का है। मुझे अभी अभी अजीत का खत मिला है, वो आज आ रहा है, मैं उसे एयरपोर्ट लेने जा रही हूँ। वादा? प्रीतम, मैं जानती हूँ कि जंगल में एक साथ रहने से, तन्हाई में कुछ बातें करने से तुम ये समझ बैठे होगे कि मैं तुम्हें अपना दिल दे चुकी हूँ, लेकिन जंगल की वो मुलाकातें एक दोस्ती थी। अब मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ और हमारे रास्ते का कांटा बनने की कोशिश ना करो। समझ गया समझ गया। पानी दिखाकर प्यासा लौटा रही हो? खैर कोई बात नहीं, मेरा क्या है, चला जाता हूँ। लेकिन जाने से पहले तुम्हारे मामा से इजाजत ले लूँ। दीपाली, अगर जिंदगी में कभी मेरी जरूरत हो तो शर्माना नहीं, मुझे तुमसे प्यार है और यह प्यार तुमसे दूर रहकर भी सदा रहेगा। मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। जय हिंद। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है चौधरी साहब की? अरे आप बैठे क्यों हैं, लेट क्यों नहीं आते? अरे लेट ना किस्मत का नाम है, ये देखो मैं तो दौड़ूंगा, रेस के घोड़े की तरह भागूंगा। अरे देखो बेटा, मुझे हार्ट अटैक था ही नहीं, वो तो एक जिंदा शेर देखकर मैं बेहोश हो गया। मेरा दिल अभी तक चट्टान की तरह मजबूत है। डॉक्टर कार्डियोग्राम दिखाओ। इससे तो ऐसा लग रहा है जैसे गीली सड़क पर से साइकिल गुजर गया और लकीरें छोड़ गया। बहरहाल जाने से पहले एक तो अच्छी खबर मिली कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। जाने से पहले ये क्या बात की? जी जो कहा सच कहा, नंबर वन आ रहा है। नंबर वन कोई घोड़ा है? जी गधा है। जी मेरा मतलब है कि आपकी भांजी का असली प्रेमी आ रहा है और दीपाली ने मुझे यहाँ से दफा हो जाने का हुक्म दे दिया। ये कैसे हो सकता है? ना 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 ना, प्यार की इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम बगैर प्रसाद के यहाँ से चले जाओ, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अरे हाँ, देखो बेटा, मुझे एक तरकीब सूझी है, मैं सचमुच का बीमार पड़ जाता हूँ और ऐसा बीमार जैसा कि मैं आखिरी सांसों पर हूँ, फिर क्या होगा, दीपाली का ध्यान नंबर वन से हटकर मेरी बीमारी की तरफ लग जाएगा। ए डॉक्टर, इस ढंग में तुम मेरी मदद करोगे? अरे यार, ऐसे शुभ काम में मुझे क्या ऐतराज हो सकता। वेरी गुड वेरी गुड। और देखो बेटा, इस बीमारी के दौरान में तुम ऐसा करना कि दीपाली के ऊपर इस नंबर वन का राज फाश कर देना, दीपाली को बता देना कि ये बदमाश है, लुच्चा है, लफंगा है, 420 है। लेकिन अंकल हो सकता है कि वो अच्छा आदमी हो। तुम्हें तो दूसरों के आईने में अपनी सूरत नजर आती है। अरे भाई जरा सोचो, जो शिकार नहीं खेल सकता वो अच्छा कैसे हो सकता है? देखो जो मैं कहता हूँ वही करो। ओके अंकल, जब आप मेरी मोहब्बत के लिए इतना झूठ बोल सकते हैं तो सच बोलने का मुझे क्या अधिकार है? जी तेरा बेटा, जी तेरा। तुम बीमार पड़ जाओ, पड़ जाइए। हार्ट अटैक।
हेलो दीपाली, हेलो। तुम आ गए, आओ। दीपाली अगर इससे ज्यादा तुमसे दूर रहता तो मर जाता। सच मानो दीपाली, इस जुदाई में भी तुम्हारे प्यार का दिया हमेशा मेरे दिल में जलता रहा है। बच गए वरना आग लग सकती थी। सफर कैसा रहा? हवाई जहाज क्रैश भी हो सकता था, लेकिन कुछ अच्छे आदमी भी इसमें बैठे थे। For the attention of Miss Deepali Lakhanpal, there is a telephone call for you. Please come to the Indian Airlines Inquiry Center. मैं अभी आती हूँ। Thank you. क्या कहा? मामा की तबीयत बहुत खराब हो गई? हाँ हाँ, प्रीतम है, उसका जहाज अभी तक नहीं छूटा। क्या कहा? मामा ने उसे बुलाया है? अच्छा, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। चलो जल्दी चलो, मामा की तबीयत खराब हो गई है, तुम्हें बुलाया है। लेकिन मेरा प्लेन निकल जाएगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो मामा के प्राण निकल जाएंगे। टिकट जाया हो जाएगा। किसी की जान तो बच जाएगी। दीपाली बात क्या है, ये साहब कौन है? बाद में बताऊंगी। दीपाली बात क्या है, ये साहब कौन है? ये भी बाद में बताऊंगी, जल्दी चलो। देखो मुझसे तेज नहीं भागा जाता। मिस्टर ये पकड़ो। थैंक यू। अंकल। बेटा आज मुझे अंकल ना कहो, आखिरी वक्त में मुझे मामा कहकर पुकारो। ओए बेटा, ये तुम्हारे साथ गलत सी शक्ल वाला आदमी कौन है? ये बंबई से आया। बंबई से आया हो या कलकत्ते से, इस वक्त उसे घर से बाहर निकालो। दीपाली तुम्हारे मामा को पागलपन की बीमारी है। हाँ है, एक पागल दूसरे पागल को देखकर और पागल हो जाता है, इसलिए यू प्लीज गेट आउट। दीपाली ये मेरी इंसल्ट हो रही। प्लीज अजी थोड़ी देर के लिए बाहर चलो, मैं बाद में सब कुछ समझा दूंगी। प्लीज प्लीज अजी। दीपाली बेटा यहाँ बैठो। बेटा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम प्रीतम से शादी कर लो, प्राण निकलने से पहले। अगर मेरी ये इच्छा तुम पूरी कर दो तो मैं सीधा स्वर्ग में जाऊंगा। लेकिन मामा जी। देखो दीपाली, इस वक्त अगर चौधरी साहब की बात न मानी तो इनकी मौत का इल्जाम तुम्हारे सर लगेगा। मामा जी आप अच्छे हो जाइए, शादी की बात बाद में करेंगे। लेकिन नेक काम में देर न करना बेटी, मेरे प्राण सिर्फ तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने के लिए अटके हुए। अच्छा अच्छा, एक मिनट डॉक्टर साहब। चौधरी साहब दूध पीजिए। किसका है? गाय का। तो फिर क्या करें? जब तक तबीयत ना सुधरे शादी की बात को खटाई में डाल दो। तो फिर ऐसा ही करना पड़ेगा। माफ करना जी, मामा बीमारी की वजह से कुछ चिड़चिड़े हो गए हैं। चलो मैं तुम्हें किसी अच्छे होटल में छोड़ आती हूँ। चलो। माँ इनसे मिलो, ये है मेरे दोस्त अजीत, बंबई में मुलाकात हुई थी। नमस्ते जी। बहुत मदद की थी मेरी। की होगी। अजी मामा की बीमारी की वजह से माँ भी बहुत परेशान है। ये तुम्हारी मम्मी के साथ तुम्हारे डैडी हैं क्या? हाँ अजीत, मैंने तो सिर्फ उनकी तस्वीर देखी है, बहुत छोटी सी थी जब वो गुजर गए। ओ दीपाली बेटा तुम ऊपर जाओ, तुम्हारे मामा बुला रहे हैं। लेकिन मैं इनको होटल में। होटल तक मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारा मामा के साथ रहना बहुत जरूरी है। आइए। ओके अजी, होटल पहुंचते ही मुझे फोन करना, भूलना नहीं। ओके बाय। बाय बाय। हेलो कौन? अजीत तुम बीमार हो? ओ माय गॉड, मैं अभी आती हूँ। हेलो हेलो हेलो, मैं सुंदरम बोल रहा हूँ जी। प्रीतम जी वो आपके सोते रहे ना? क्या बंबई वाला लड़का? हाँ जी, उन्हें बीमारी का ढोंग रचाया है, दीपाली दीदी उसको मिलने को होटल गया है जी। अच्छा ये बात है। इधर के बाद उधर, उधर के बाद इधर। वाह सुंदरम वाह। यस कम इन। क्या हुआ है तुम्हें? बुखार है 107, मेरी जान निकली जा रही है। अच्छा हुआ मेरी जिंदगी की आखिरी घड़ी में तुम मेरे पास हो। माथा अंगीठी की तरह तप रहा है। दीपाली मेरे पास बैठी रहो। ये आपका मरीज। ये तो इसकी शक्ल से दिखाई दे रहा है,
मेरा ख्याल है कि ऑक्सीजन देने से पहले ये नर्क की पहली सीढ़ी पर चढ़ चुका होगा। What nonsense! ये क्या बकवास है? मैंने किसी डॉक्टर मौसम को नहीं बुलवाया। क्यों? क्या खुदकुशी करने का इरादा है? कहो तो पुलिस को भी बुला लूं। ये लीजिए। हाँ, अभी इसकी जरूरत नहीं। लेकिन डॉक्टर तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? बेटे, अगर तुम्हारी बीमारी बिन बुलाए आ सकती है तो क्या ये डॉक्टर बिन बुलाए नहीं आ सकता? ये तो परमात्मा का शुक्र है कि आज मेरी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। सेंचुरी? आप डॉक्टर हैं या क्रिकेटर? मेरा मतलब है मेरे हाथ से पहले 99 बीमार शमशान घाट पहुंच चुके हैं और अब मुझे तुम्हारी शक्ल में पूरी सेंचुरी होती नजर आ रही है। Shut up! क्या नाम? मैं कहता हूं दफा हो जाओ यहां से। मेरे इंसल्ट मत करो। डॉक्टर अग्निहोत्री, होती पहले इसका इलाज तो कीजिए, इसके होंठ नीले पड़ गए हैं। Really? ये तो इंसान के दिल की धड़कन नहीं तो किसकी है? किसी जानवर की मालूम होती है, वो भी महा खतरनाक मांस खाने वाला वुमन ईटर। डॉक्टर, अगर मैं बीमार ना होता मैं तुम्हें कच्चा चबा देता और बता देता कि मैं नीचे भी हूं। अरे चुप कर केकड़े, मैंने तुझ जैसे कई फर्जी मरीज पार्सल कर दिए हैं। चल अपनी जुबान दिखा। अरे तेरा प्यो भी दिखाएगा। दिखा, दिखा, दिखा। कितनी गंदी जबान है, 100% जबान का कैंसर है। जबान का कैंसर? मालूम होता है इस शख्स ने दिन रात बकवास करके और सोते जाते झूठ बोल के ये जबान का कैंसर मोल लिया है। अब ये थोड़े दिन और जी सकता है, लेकिन इसका मुंह बंद करना पड़ेगा ताकि ये और झूठ ना बोल सके। मुंह बंद कराओ। नहीं करता। बेटी बेटी, इसके हाथ पांव पकड़ो, जल्दी से पकड़ो, नहीं तो ये 2 मिनट में प्राण त्याग देगा। क्या हूं कर रहा? शुक्र है भगवान का, बहुत मुश्किल से काबू में कोई हैवान आता है। डॉक्टर साहब, अभी अच्छे हो जाएंगे ना? बेटी, जो आदमी जन्म से गंदा हो उसे कोई डॉक्टर कैसे अच्छा कर सकता है। एनीवे, वी कैन होप फॉर द बेस्ट, लेकिन ये एक कैंसर की बीमारी बड़ी छूतछात की होती है, इसके सांस से भी दूर रहना। दीपाली, अब तुम यहाँ से चली जाओ। प्लीज टेक अवे। ओके, आई विल टेक अवे। टेक माय स्टोन प्लीज। अजीत साहब, फिर आप कभी बीमार हुए तो दीपाली फोन मत करना, मुझे फोन करना, मैं डॉक्टर अग्निहोत्री को लेकर फौरन आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। सुंदरम। ओ नमस्कारम जी, नमस्कारम जी। क्या हो रहा है? कार पॉलिश कर रहा हूँ जी। आज दीपाली दीदी उस नए श्रीमान के साथ घूमने को जा रहे हैं। कहाँ? बहुत दूर, बड़ी लंबी शहर है, नैनीताल की तरफ जी। तो फिर इस लंबी शहर को छोटा कैसे किया जाए? ये तो बड़े मामूली बात है जी, गाड़ी की टंकी का पेट्रोल 12 रुपए को लंबा सफर से छोटा सफर हो जाएगा। तो मेरा काम करो। ये हम कैसे करेंगे जी? ये जरा छोटा नोट है जी, छोटा। आप भी काली करते जी, 12 चीज को काली करने में कितने टाइम लगता? अरे पेट्रोल खत्म हो गया। ओहो, थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला है। आस पास के पेट्रोल पंप भी तो नहीं। लेकिन टैंक तो फुल था। मैं क्या जानू, तुम्हारी गाड़ी है। ऐसी सुनसान जगह पर लिफ्ट मिलना भी बहुत मुश्किल है। लिफ्ट न मिली तो मैं मारी जाऊंगी, या तो जंगल में कोई चीता भी तक खा जाएगा या मामा खून पी जाएगा। अरे काम बन गया, वो देखो वहां से गाड़ी आ रही। स्टॉप इट प्लीज, स्टॉप इट, स्टॉप इट, रोकिए, रोकिए प्लीज। थैंक यू। क्या बात है? खुदकुशी करनी है तो किसी और की गाड़ी के नीचे आकर करो। तुम यहाँ कैसे आ सकते? जब जब संसार में पाप फैलता है और लोग संकट में होते हैं तो मैं अंधेरे में उजाले की किरण बनकर प्रकट होता हूँ। शायद पेट्रोल खत्म हो गया। हाँ, यही बात है। बड़े घटिया किस्म के आजेगा। जब लोग अपनी महबूबा को साथ लेकर बाहर निकलते हैं तो अपनी गाड़ी में इतना पेट्रोल भर लेते हैं कि दुनिया के दूसरे किनारे तक पेट्रोल की जरूरत न पड़े। खैर, तुम में से एक पेट्रोल का डिब्बा लेकर मेरे साथ चल सकता है। अच्छा चलिए, मैं चलता हूँ। अजीब बेपेंदे के लोटे हो, अपनी महबूबा को जंगल में अकेले छोड़कर जाना चाहते हो? जानते हो इस जंगल के बनवासी सिर्फ स्त्री का मांस खाते हैं। तो फिर हम दोनों को साथ ले चलो। बुरा ना मानना, मैं एक मुसीबत ज्यादा औरत की मदद कर सकता हूँ, एक मुसीबत ज्यादा मर्द की मदद कर सकता हूँ, लेकिन औरत और मर्द दोनों की एक साथ मदद करना अपने धर्म के विरुद्ध है। तो फिर जाओ अपना रास्ता लो, हम दोनों यहीं ठहरेंगे। बड़ी खुशी से, लेकिन सोच लो
एक अच्छे घर की लड़की एक बेघर के लड़के के साथ, जंगल में रात भर अकेली, शहर में चर्चे, मामा की बंदूक, डड्डा। अच्छा अच्छा मैं भी आती हूँ। और मैं अब तुम यही ठहर, मैं बस गई और आई। घबराई नहीं मिस्टर, मैं खानदानी आदमी हूँ, बैठिए। लेकिन एक शर्त है, रास्ते में मुझसे बात नहीं करना, चुपचाप बैठना। एक तो मदद करो और दूसरे अपनी जबान पर ताले डालो। बड़ी बड़ी मिस्टर, हम दोनों की जोड़ी आपको कैसे लग रही है? टाटा। गाड़ी तेज क्यों नहीं चलाते? गूंगे हो क्या? सीटी क्यों बजाई? सीटी नहीं बजाऊं तो क्या चलती गाड़ी में वायलिन बजाऊं? याद रखो, तुमने चुप रहने का वादा किया है। अजीब मुसीबत है, चुप रहता हूं तो गूंगे होने का इल्जाम, बोलता हूं तो ना जाने। शट अप। कुछ कहे तो खफा, चुप रहे तो खफा, कुछ कहे तो खफा, चुप रहे तो खफा, आए कैसे सितम घर से पाला पड़ा, पास आने ना दे हो दूर जाने ना दे, कैसे अनजान दिल भर से पाला पड़ा, कुछ कहे तो खफा। आँखों का सुरूर नया नया है, ये जवानी का गुरूर नया नया है, ये आँखों का सुरूर नया नया है, ये जवानी का गुरूर नया नया है, अभी बाली उम्र का है आखिरी कदम, यही सोच के सितम सहे जाते हैं हम, यही सोच के सितम सहे जाते हैं, कुछ कहे तो खफा, कुछ कहे तो खफा, चुप रहे तो खफा, पाए कैसे सितम घर से पाला पड़ा, पास आने ना दे हो दूर जाने ना दे, कैसे अनजान दिल भर से पाला पड़ा, कुछ कहे तो खफा। बड़के कली से है नाजुक बदन, ये माना के हुजूर है जाने चमन, बड़के कली से है नाजुक बदन, कदर दिल वालों की कुछ कीजिए, करम कीजिए और दुआ लीजिए, करम कीजिए और दुआ लीजिए, कुछ कहे तो खफा, कुछ कहे तो खफा, चुप रहे तो खफा, आए कैसे सितम घर से पाला पड़ा, पास आने ना दे हो दूर जाने ना दे, कैसे अनजान दिल भर से पाला पड़ा, कुछ कहे तो खफा। मगर आसमां कल की है बात, हुए हो जवां उठाए हुए हो मगर आसमां, चार दिन में कयामत मचाए हुए हो, सारी दुनिया को पीछे लगाए हुए हो, सारी दुनिया को पीछे लगाए हुए हो, कुछ कहे तो खफा, कहे तो
खपा, चुप रहे तो खपा, हाय कैसे सितम घर से पाला पड़ा। पास आने ना दे, दूर जाने ना दे, कैसे अनजान दिल भर से पाला पड़ा। कुछ कहे तो खपा, दीपाली दीदी पेट्रोल किधर खलास हुआ जी? तुमको कैसे पता चला कि पेट्रोल खत्म हो गया? हाँ, पेट्रोल डालता है वो निकलता है जी। क्या मतलब? मतलब ये जिसने पेट्रोल डाला उसने पेट्रोल निकाला। तो तुमने पेट्रोल निकाला था? अयो मैंने नहीं निकाला जी, हमको प्रीतम बाबू ने ऑर्डर दिया, हमने निकाला। इस बदमाश से पीछा कैसे छुड़ा? इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, इतनी सामान रहता सापड़म सापड़म। चौधरी साहब, खूबसूरत लड़कियां भी अक्सर बेवकूफ होती है। दो बार दीपाली की इज्जत मैंने अजीत के हाथों से बचाई, फिर भी दीपाली अजीत जैसे शैतान को देवता समझती है। अरे घबराओ नहीं, मैंने दीपाली को कहला भेजा है कि अब मैं ठीक हूँ, वो मुझे मिलने आ रही है, आज मैं उसको डट कर मुकाबला करूंगा। अंकल मैं अंदर आ सकती हूँ? बिल्कुल वैसे ही कैसे था? मेरा मतलब आपकी तबीयत। अरे तबीयत बिल्कुल ठीक है, और फिर मुझ जैसा फौलादी आदमी बीमारी से नहीं घबराता। अगर माउंट एवरेस्ट पे एक टेंशन चढ़ भी जाए तो माउंट एवरेस्ट का क्या बिगड़ता है? एक गलत फहमी थी जिसे मैं दूर करना चाहती हूँ। बोलो बोलो क्या बात है? बात ये है अंकल, वो बम्बई वाला लड़का जिसे मैं प्यार करती हूँ, वो बम्बई वाला लड़का नहीं जिसे आप समझते हैं। वो बम्बई वाला लड़का जिसे तू प्यार करती है वो बम्बई वाला लड़का नहीं, तो फिर क्या वो लड़का भिमरी तलैया का है? मेरा मतलब है वो बम्बई का रहने वाला है, लेकिन वो दूसरा लड़का है। अरे दूसरा लड़का तो ये है। मेरा मतलब है जिसे मैं प्यार करती हूँ वो ये नहीं, ये है। अजी अंकल को नमस्कार। मेरे पांव को हाथ मत लगाओ और दीपाली कान खोल कर सुन लो, मुझे ये लड़का एक आंख नहीं भाता, इसके चेहरे का लिफाफा देखकर मैं इसके दिल का मजमून पढ़ सकता हूँ। ये तुम्हें प्यार का चकमा दे रहा है, दरअसल इसकी नजर मेरी दौलत पर है। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मैं आपकी दौलत पर लड़ बेचता हूँ। मैं दीपाली से मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत के सामने दुनिया की कोई दौलत नहीं। डायलॉग बोलता है? अरे हमने बहुत देखे तेरे जैसे डायलॉग बोलने वाले, अगर 1000 का नोट निकाल कर दिखाऊ ना तो दीपाली का प्यार फुर्र हो जाएगा और नजरे नोट पर जम जाएंगे। अंकल आप एक शरीफ आदमी की इंसल्ट कर रहे हैं, मैं शादी करूंगी तो अजीत से। हाँ जरूर करो जरूर करो, मेरा क्या जाता है, मगर तुम भी सुन लो, तुम्हारे फेरे होने से पहले मैं अपनी 50 लाख की जायदाद प्रीतम के नाम लिख कर जाऊंगा। डॉक्टर मेरे वकील सिन्हा को बुलाओ, सुबह सारी जायदाद प्रीतम के नाम लिख दो, अगर मेरी भांजी जिद्दी है तो मामा भी जिद्दी हो सकता है। दीपाली मुझे तुम्हारे मामा पर रहम आता है, ये समझते हैं दुनिया में दौलत सब कुछ है, दौलत से दुनिया खरीदी जा सकती है, दिल नहीं, और फिर मैं तो दिल का खरीदार। दिल का खरीदार हूँ? अरे तेरे जैसे मैंने कई भूखे देखे प्यार करते, 4 दिन का फाका लगा ना तो मोहब्बत का नशा छोटे की बाबा की तरह नीचे बैठ जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा, चलो दीपाली। हाँ जा जा जा। प्रीतम मैं कैसा एक्टर हूँ? आप तो बहुत बड़े कैरेक्टर एक्टर हैं अंकल। जीते हो बेटे जीते हो, भगवान तेरी उम्र 125 साल की करे, और उसमें 5 दिन 5 दिन। और मैंने दीपाली को भी झूठ बोल दिया है, मेरी जायदाद 50 लाख की नहीं है 30 लाख की है। वो अंकल फिर तो 20 लाख का घाटा मेरा हुआ। और डेफिनेटली नेवर माइंड, 30 लाख ही काफी है। दुनिया खरीदी जा सकती है मगर दिल नहीं। मैं तो दिल का खरीदार हूँ, मुझे कत्ल करने आए थे इसलिए कि मैं वसीयत में अपनी तमाम दौलत प्रीतम के नाम न छोड़ जाऊं। दीपाली अब बताओ कि ये तुम्हारे मुंह के फ्रेम पर मरता है या मेरी दौलत पर? भगवान का शुक्र है कि मुझे वक्त पर तुम्हारे असली रूप का पता चल गया। अंकल मुझे माफ कीजिए, मैं इसकी बात में आ गई थी। मगर माफी मुझसे मांगने की कोई जरूरत नहीं, माफी प्रीतम से मांगो जो तुम पर जान भी देता रहा और तुम्हारी जली कटे भी सुनता रहा। नहीं दीपाली, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं,
मैं जानता हूँ खूबसूरती बेवकूफ होती है और जवानी नादान, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से शर्मिंदा हो तो मैं तुमसे एक बात के लिए इजाजत लेना चाहता हूँ। इजाजत क्यों? हुक्म दो। नहीं अंकल, मैं उन नौजवानों में से नहीं हूँ जो औरतों पर हुक्म चलाते हैं। क्या बात है दीपाली, कई दिनों से मेरा हाथ को टूट कर बैठ जाता है, अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हारे नंबर वन को एक प्यार भरा थप्पड़ रसीद कर सकता हूँ। हरगिज नहीं, ये मेरा अधिकार था, अब तुम भी अपने अरमान निकालो। अजीत साहब, आप दायां हाथ पसंद करेंगे या बायां? बायां हाथ से मैं क्रिकेट खेलता हूँ और बड़े दिनों से सिक्सर नहीं मारा। अरे आ, 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 अगर बायां हाथ में ये जोर है तो दायां का क्या हाल होगा? बातों में वक्त जाया मत कीजिए, पुलिस को बुलाइए। पुलिस? नहीं तो मिलिट्री बुलवा लेते हैं। नहीं चौधरी साहब नहीं, बुरे के साथ बुरा क्यों बनना, ये तो बेशरम बेइज्जत बेगैरत है, और इसके नाम के साथ खामखा आपके खानदानी घराने का नाम पुलिस रजिस्टर में क्यों आए? वाह वाह वाह, देखा बेटी, जिस आदमी के रगों में शरीफ खून होता है वो उबल उबल कर बोलता है। प्रीतम, अब ये बताओ कि बंबई के मॉडर्न फ्रॉड का क्या करें? तो चौधरी साहब, मेरा ख्याल है इसे इसकी किस्मत पर छोड़ देना चाहिए, जिसके मुंह बेईमानी का खून लग चुका है वो कहाँ छूट सकता है, आज नहीं तो कल किसी केस में पकड़ा जाएगा। अरे वाह 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 वाह, बड़ी दूर की कौड़ी लाते हो। अजीत बेटा, ये लो एक रुपया और 25 नए पैसे, तुम्हारी दक्षिणा जाने के बस का किराया, और फिर कभी इधर आने का रुख किया तो जमानत साथ लेकर आना। अब जाने मुझे करो, जाओ, गेट आउट। अच्छा चौधरी साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए, आपके साथ चंद बड़े अच्छे दिन गुजारे हैं, शिकार खेला, इनकी गालियां सुनी, और अब मर्डर ड्रामा भी देख लिया। एक आखिरी विनती है, दीपाली जी के लिए एक अच्छा वर्ड ढूंढकर आप भी गंगा नहा लीजिए। अब ये बरसात की रात की कवाली कहां से शुरू कर दी? क्या कारण है ब्रोने का? प्रीतम चला गया। जो आता है वो जाएगा भी जरूर, और फिर यहाँ रहकर वो करता भी क्या, चने भूनता, तुमने तो एक बार हंसकर भी उसकी तरफ नहीं देखा। अब प्रीतम मुझे अच्छा लगने लगा। क्या बेवकूफ लड़की है, जो बात तुम्हें प्रीतम से कहनी चाहिए थी मुझे कह रही है, ज्यादा भाग और रोक थे। बारिश हो रही है। इस बात का फैसला तुम करो कि नमोनिए और मोहब्बत में तुम्हें कौन सी चीज ज्यादा पसंद है। बीबो की तो जुकाम होगा, जुकाम होगा तो बुखार आएगा, लेकिन एक अच्छा जीवन साथी तो मिल जाएगा। चल चल रोक दे, चल भाग 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 भाग। अरे ओ दिवाली बेटा, ये चप्पल ले, पौंख नंगे जा रही है, और ये ले छाता, बाहर बारिश हो रही है। आप मालिक है क्यों रही हो? इसीलिए कि तुम जा रहे हो। दुनिया से तो नहीं जा रहा हूँ, इस शहर से जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? मेरा यहाँ क्या काम? किसी के दिल का भी ख्याल नहीं। दिल? किसका दिल? मेरा और किसका, जो तुमसे प्यार करता है। तुम्हें और मुझसे प्यार? झूठ बोलना भी आता है तुम्हें? नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे तुमसे प्यार है। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। मेरे बगैर या अजीत के बगैर? अजीत कौन होता है? तुम्हारी कसम, मुझे अजीत से नफरत है, बेहद नफरत। पक्का इरादा है या कल फिर बदल जाओगी? जीते जी तो नहीं बदलूंगी। अच्छा, तो जो मैं कहूंगा वो करोगी? हाँ। क्या मैं तुम्हारे थरकते होठों को चूम सकता हूँ? क्या? मेरा मतलब है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? लो, अभी तो तुमने वादा किया था कि जो मैं कहूँगा वो करोगी। चल चल चल, पहले तुम्हारे कपड़े बॉक्स से निकाल। ओके। मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्यों रो रही हो? वो काम होता नहीं होता। किस तुम मुझे करना? नहीं, नहीं।
मेरे कंधे पे सर रखकर रोना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन न जाने आज मेरी आंखों में इतने सारे आंसू कहां से आ गए। प्यार के दरिया में जब पहले पहले पानी आता है तो कतरा कतरा नहीं आता, बल्कि जवाहर भाटा की तरह आता है। लेकिन ये जवाहर भाटा अपने साथ तबाही नहीं लाता, बल्कि अपने साथ एक नई जिंदगी का पैगाम, एक नई बहार की अमराई लेकर आता है। चांदनी रात में यूं दिल को जला के तो न जा, चांदनी रात में यूं दिल को जला के तो न जा, मेरे सोए हुए अरमां जगा के तो न जा। चांदनी रात में यूं दिल को जला के तो न जा, मेरे सोए हुए अरमां जगा के तो न जा। चांदनी रात में ये तन्हाई किसी भी काम ना आई, ये खामोशी ये तन्हाई किसी भी काम ना आई। सुनी कुछ बात ना मेरी, ना अपनी बात समझाई, ना अपनी बात समझाई। चांदनी रात में यूं दिल को जला के तो न जा, मेरे सोए हुए अरमां जगा के तो न जा। चांदनी रात में रात बढ़ने दे, जरा सा चांद घटने दे, जरा सी रात बढ़ने दे, जरा सा चांद घटने दे। अभी जो हाथ है दिल पर उसे दम भर तो हटने दे, उसे दम भर तो हटने दे। चांदनी रात में यूं दिल को जला के तो न जा, मेरे सोए हुए अरमां जगा के तो न जा। चांदनी रात में चले जाना हमें कर देगा दीवाना, तेरा आकर चले जाना हमें कर देगा दीवाना। खुदा रायूं तो ना तोड़ो लबों तक लागे पैमाना, लबों तक लागे पैमाना। चांदनी रात में यूं दिल को जला के तो न जा, मेरे सोए हुए अरमां जगा के तो न जा। चांदनी रात में मालकिन चिट्ठी आई है। प्रीतम की होगी, और कौन मुझे लिख सकता है। मामा पढ़कर सुनाओ ना क्या लिखा है। लिखा होगा दो शेर मारे हैं, एक बंदूक से
एक हाथ से। जाजा बुद्धू कहीं का, दोनों हाथ से मारे होंगे। बड़ा बहादुर है मेरा भैया। वाह वाह, जैसे भैया सिर्फ तुम्हारा है। हाँ माँ, पढ़ के सुना ना भैया ने क्या लिखा। बहुत कुछ लिखा है, टिल्लू को प्यार, मुन्नी को प्यार, बहुत बहुत। अच्छा गंगू, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। तुम बच्चों का ख्याल रखना। डॉक्टर रमा है? डॉक्टर रमा के मिलने का वक्त शाम को है, अभी वो नहीं मिल सकती। तुम सिर्फ इतना कह दो कौशल्य आई है। क्या तो देती हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। रमा, कौशल्या, अरे तुम यहाँ? हाँ अंदर आओ ना। कितनी देर के बाद आई हो, कैसे हो तुम? बैठो। अरे तुम्हारे बाल तो बिल्कुल खिचड़ी हो गए। जब बच्चे जवान हो जाएं तो माएं बूढ़ी हो जाती हैं। तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ, प्रीतम आप सचमुच जवान हो गए। तो क्या 25 बरस का होकर भी क्या बच्चा ही रहेगा? अरे तू समझी नहीं रमा, अब वो किसी से प्यार करने लगा है। सच? कौन है वो? दिल्ली की एक लड़की है, देखो प्रीतम ने चिट्ठी भेजी है। देखो पटला कहीं का बड़ा बेशर्म हो गया है। देखो ना, गुलाब गुलाब ने प्यार का सारा हाल लिख दिया। आखिर बेटा किसका है? चरट। अरे कौशल्या, हमारा तुम्हारा जमाना गया जब प्यार का नाम जबान पर लाने के लिए पूरे घर के दरवाजे बंद करने पड़ते थे। क्यों है ना? डॉक्टर रामा स्पीकिंग। यस डॉक्टर सेन। क्या कहा? सुधीर हफ्ते के बाद अस्पताल से लौटा है, क्या हुआ था उसे? मैं आपको फोन पर कुछ नहीं बता सकता, आपका सुधीर के घर आना बहुत जरूरी है। ओ, मैं भी आती हूँ। सुधीर, सुधीर, डॉक्टर क्या हुआ? आपने पट्टी क्यों बांधी है? घबरा नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं, लेबोरेटरी में तजर्बा कर रहा था, अचानक तेजाब की नली फट गई। तेजाब की नली? तुम्हारी आंखों को तो कुछ नहीं हुआ ना? आंखें जिस्म का कोई इतना जरूरी हिस्सा नहीं, दिलो दिमाग अपनी जगह पर होनी चाहिए। सुधीर तुम क्या कहना चाहते हो? भगवान के लिए मुझे कुछ तो बताइए, आप खामोश क्यों हैं? ये आप सुधीर से पूछिए। अच्छा सुधीर, अब मैं चलता हूँ, कल फिर तुम्हें देखने आ जाऊंगा। थैंक यू डॉक्टर। सुधीर तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? आंटी मैं कुछ नहीं छिपा रहा, दुनिया मुझसे छुप गई, मेरी आंखें चली गई। आंटी आंटी, तुम तो बच्चों से भी गई गुजरी हो, हर कोई उजालों को अपने घर में बसा ले तो अंधेरे कहां जाए। इंसान का पैदा होना भी एक हादसा होता है, फिर जिंदगी में हादसों से क्या घबराना। सुधीर अंजू को इसकी खबर है? नहीं, और ना होनी चाहिए। अंजू ने मुझे कई बार फोन किया लेकिन मैंने बेगानगी का रास्ता अख्तियार कर लिया। आंटी अंजू के मामले में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम भी उसके दिल में मेरे खिलाफ नफरत पैदा करो। सुधीर अंजू को मैंने एक बेटी की तरह पाला है, मैं ही उसका दिल तोड़ू? सुधीर सुधीर दरवाजा खोलो। सुधीर अंजू आ गई। एक बार कह दो कि फोन पर तुम नहीं थे, कोई और था। मैं ही था अंजू, मैं तुमसे कह चुका हूँ मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, भिखारन की तरह मेरे दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? सुधीर मेरी जान ले लो, अपने हाथों से मेरा गला दबा दो, लेकिन पुजारन को भिखारन कह के ना पुकारो। तुम तो मेरे साए से भी प्यार करते थे, फिर अचानक तुम्हें मेरी सूरत से नफरत कैसे हो गई? जानना चाहती हो तो सुनो, मेरी जिंदगी में कोई और आ गया, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। क्या प्यार भी बार बार होता है? इंसान अगर अपनी खुशी से कपड़े बदल सकता है, मकान बदल सकता है,
तो क्या महबूबा नहीं बदली जा सकती? मैं कह रहा हूं चली जाओ यहां से। सुधीर, इतनी जल्दी तुम्हारी आंखें कैसे बदल गई? आंखों में क्या रखा है, दिल बदल चुका है। मैं न बदली हूं न बदलूंगी। तुम मुझसे आंखें चुरा सकते हो, लेकिन मेरे दिल से अपनी यादें तो नहीं चुरा सकते। पोस्टमैन। तुम्हारी चिट्ठी आई है स्थिर, तुम्हें पढ़ दो ना। हाँ पढ़ती। क्या बात, कोई बुरी खबर है? नहीं, खबर तो अच्छी है, लेकिन पढ़ पढ़ कर रोना आ रहा है। किसका खत? तुम्हारे दोस्त प्रीतम की चिट्ठी आई है दिल्ली से। क्या लिखा है, सुनाना। सुनाती हूँ। डियर सुधीर, मैं तुमसे पीछे नहीं रहने वाला। ये मत समझना कि तुम्हारी और अंजू की शादी में बबाराती बनकर आऊंगा। मेरे लोटन कबूतर कामदेव ने हम पर भी तीर चलाया है। दिल्ली में एक ऐसी खूबसूरत लड़की मिल गई है जो अब मेरी जिंदगी में बाहर ही बाहर लेकर आएगी। याद रख, जो मेरे लौटने से पहले तूने शादी की, हम दोनों की शादी एक ही दिन होगी। तू मेरा बाराती और मैं तेरा बाराती। शर्म को बेच बात कर मैंने माँ को भी चिट्ठी लिख दी है। अंजू को भी ये खबर देना और मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार भी। ये प्रेम पत्र पढ़ना, चुमना और अपनी आंखों से लगाना, इसमें तुम्हारे होने वाले भाभी की खबर है। आंटी, मेरे यार की चिट्ठी देना। पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन चूम तो सकता हूं, अपनी सूनी आंखों से तो लगा सकता हूं। प्रीता, तुम इस तरह अचानक क्यों जा रहे हो? दीपाली, दुनिया में मजबूरियां भी होती हैं। बंबई मेरी एक दोस्त है, बेचारी बड़ी मुश्किल में पड़ गई है। उसी ने तार भेजा है, और फिर माँ से मिलकर शादी की बात भी तो करनी है। तो फिर मुझे भी साथ ले चलो, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। ये क्या बचपना है, आंसू पूछो। ये जुदाई भी तो एक अमर बंधन का संदेशा लेकर आएगी। मेरे प्लेन का वक्त हो गया है, अब मुस्कुरा दो। आओ आओ, कब आए? मैं अकेला नहीं आया, अंजू भी मेरे साथ है, और मैं तुमसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। दोस्ती के नाते तुम हर बात पूछ सकते हो, लेकिन मेरी जाती जिंदगी के बारे में कोई सवाल न करना। फिर दोस्ती कहाँ की ठहरी? सिर्फ ये बता दो कि तुमने अंजू के साथ धोखा क्यों किया? करना पड़ा, मेरे दिल ने मुझे आवाज दी कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं। तो पहले क्या अंधे थे? इतने वर्षों उसकी मोहब्बत का दम क्यों भरते आए? अपनी भूल पर आदमी कभी भी फंसा सकता है। मैं मानता हूँ मेरी मोहब्बत अंधी थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अब मैं अंजू से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। भगवान के लिए इस वक्त चले जाओ यहाँ। मैं इस तरह खामोश से नहीं जाऊंगा। तो क्या बिगाड़ लोगे मेरा? सुधीर, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं दोस्तों के लिए जान भी दे सकता हूँ, और वक्त आने पर खून भी कर सकता हूँ। तुम और मेरा खून करोगे? दफा हो जाओ यहाँ से। सुधीर, अगर तुम इंसानियत छोड़ सकते हो तो मैं भी इंसानियत भूल सकता हूँ। लाने तो मेरी जात पर जो मैंने तुम जैसे गलत आदमी से दोस्ती की। तुम अंजू के पांव की धूल भी नहीं हो। चलो चलो चलो, मैं तुम्हें इस कमीने आदमी के साय से भी दूर रखना चाहता हूं। ओफ, चाबी तो ऊपर रह गई, अब उस कमीने का मुंह फिर से देखना पड़ेगा।
तुम गाड़ी में बैठो। तो मेरे पास है भोला, जानते हो प्रीतम आया था और उसने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन दोस्त के हाथ से तमाचा भी फूल जैसा लगता है, मुझे उसमें भी मजा आया। आखिर उस बेचारे का क्या कसूर, उसे क्या मालूम कि मैं अंधा हो चुका हूं। क्या कह रहे हो सुधीर? बोलो सुधीर, बोलो तुम्हें क्या हुआ? प्रीतम तुम, हाँ जी तुम्हारे साथ तो नहीं, नहीं वो बाहर गाड़ी में। बोलो सुधीर बोलो, ये सब कैसे हुआ? कॉलेज के साइंस रूम में तजर्बा कर रहा था, तेजाब की नली फट गई और मेरी आंखें जाती रही। अब तुम ही कहो प्रीतम, मैं अपने अंधेरे का साथी अंजू को कैसे बना सकता हूँ? मैं उसे अपनी बीवी बनाना चाहता था, देखी लाठी नहीं। सुधीर तुमने मुझसे अपने अंधे होने का राज छुपा कर मेरी दोस्ती को गाली दी। जो हाथ प्यार से तुम्हारे हाथ में होना था, वो हाथ आज तुम पर उठने से पहले कट क्यों नहीं गया? कट क्यों नहीं गया? जाने की भूल भूल नहीं होती प्रीतम, जो चीज इस वक्त मुझे भगवान नहीं ले सकते वो तुम ले सकते हो। अंजू को यहाँ से ले जाओ, उसे कुछ नहीं कहना, वरना मैं जानता हूँ उसे। वादा करो दोस्त, वादा करो, तुम ये राज छुपा कर मुझे उजाला दे सकते हो। सुख में हम एक दूसरे के साथी थे, ये ना समझना कि अब दुख में मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। दर्द का रिश्ता बहुत दूर का रिश्ता होता है मेरे दोस्त। अंजू पर ये राज कभी जाहिर ना होगा। जिसे वो तुम्हारी बेवफाई समझ रही है, वो वफा की सबसे बड़ी मिसाल है। मेरी तस्वीर कहाँ? तस्वीर? हाँ ये रही आपकी तस्वीर। अरे ये नहीं, उसकी। उसकी किसका नाम है भैया? उसकी, तुम्हारी होने वाली भाभी की। हमारे पास नहीं है, शायद माँ के पास हो। मम्मी, माँ, माँ तस्वीर कहाँ है? कौन सी तस्वीर बेटे? वो मेरी अपना उसकी तस्वीर, दीपाली की तस्वीर। मुझे नहीं बात, तुम क्या छुपा रही हो? ये क्या? अरे अरे मेरी चिट्ठी है बेटे, दे दे मुझे। यही तो तस्वीर है वहां, ये तुम्हारे पास कैसे आई? रमा बहन नमस्ते, मैं तुम्हारी बहू की तस्वीर भेज रही हूँ। मैं तुम्हारी बहू की तस्वीर भेज रही हूँ, देख कर जी भर लेना। और अगले शुक्रवार तुम्हारे बेटे की सगाई है। बेटे की सगाई है, वक्त पर पहुंच जाना। तुम्हारी बहन कौशल्या। ये क्या मजा रहे वहां? दीपाली किसी और की बहू कैसे हो गई? मैं किसी और का बेटा कैसे बन गया? ये उसी से जाकर पूछ जिसके नाम मैंने ये चिट्ठी लिखी। नहीं मां तुम ही बताओ। मैं कुछ नहीं बता सकती, ये अधिकार उसका है। जरा आराम से बैठो बेटा, मैं सब बताती हूँ। आराम से कैसे बैठ सकता हूँ? कैसे? मैं तुम्हारी उलझन समझती हूँ। मैं जल्दी से जानना चाहता हूँ कि मेरी माँ कौन है? जिसने तुम्हें माँ का प्यार दिया वो कौशल्या है, और जिसने तुम्हें जन्म दिया वो मैं। लेकिन मैं कैसे मान लूँ? मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। बहुत दिनों की बात है, मैं डॉक्टरी की हायर स्टडीज के लिए लंदन में पढ़ रही थी। वहां एक हिंदुस्तानी घराने में मेरी मुलाकात तुम्हारे पिता से हुई। फिर कई मुलाकातें हुई, मैं उन्हें और वो मुझे जाने लगे। संयोग तो जन्म में होते हैं,
हमारी शादी वहीं लंदन में हो गई। एक साल तक हम इकट्ठे रहे, फिर अचानक उनको हिंदुस्तान आना पड़ा। मैं अपना इम्तिहान खत्म करके हिंदुस्तान वापस आ गई और यहां आकर जो बिजली मुझ पर गिरी, उसकी कड़क मैं आज भी महसूस करती हूँ। हिंदुस्तान आकर ऐसी कौन सी बात हुई? मुझसे धोखा किया गया था। तुम्हारा पिता की पहले शादी हो चुकी थी और उस वक्त वो अपनी पहली पत्नी के साथ रह रहे थे। जब मैं अपना टूटा हुआ दिल लेकर उनसे मिलने गई, मुझे अपनाना तो क्या, उन्होंने मिलने तक से इनकार कर दिया। तुम्हारे पिता से मुझे इतनी नफरत हो गई थी कि उनकी सूरत तो क्या, मैं उनका नाम भी सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और फिर कुछ महीनों के बाद तुम्हारा जन्म हुआ। लेकिन आपने मुझे अपने पास क्यों नहीं रखा? कैसे रखती, बड़े होकर तुम मुझसे अपने बाप का नाम पूछते, तो मैं तुम्हें क्या जवाब देती? ये भी तो नहीं कह सकती थी कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं। कैसे बताती कि मेरी शादी एक शादीशुदा इंसान के साथ हुई है? दुनिया इसे बहाना समझकर मुझ पर बच चलने की तोहमत लगाती। और जानते हो, ये तोहमत एक साया बनकर जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करती, तुम्हें कलंक की औलाद कहलाते। पिता, माँ बच्चे के लिए हमेशा कुर्बानियां देती आई है, मैं भी तो सिर्फ एक माँ ही थी। अपनी छाती पर पत्थर रखकर मैंने तुझे कौशल्या के हवाले कर दिया। वो मेरी बचपन की सहेली थी, उसे मैं तुम्हारा सारा खर्चा देती रही और वो तुम्हारे हर जन्मदिन पर मुझे तुम्हारी एक तस्वीर भेज देती थी। बस उसी के सहारे मैं जिंदा रही हूँ। लेकिन आपने अपनी ममता का गला इस बेदर्दी से क्यों घोट दिया? अपना अधिकार क्यों नहीं मांगा आपने? अगर मैं अपना अधिकार मांगती तो एक और औरत की जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैं पढ़ी लिखी थी, तुम्हारे पिता ने मेरे साथ जो बेइंसाफी की उसे भुलाने के लिए मैंने ये नर्सिंग होम खोला। यहाँ जितने लड़के बीमार होकर आते उन्हें मैं अपना बेटा समझती। लोक सेवा ने मेरी ममता को जिंदा रखा। हर एक की सूरत में मैंने तुम्हारी सूरत देखी और इस तरह मेरे अपने दुख, मेरे अपने गम लोक सेवा की खुशी में डूब गए। माँ सबकी महान होती है, लेकिन मेरी माँ जैसे कोई ना होगा। मेरे बच्चे। चलो अच्छा हुआ, मेरी सगाई पर माँ बेटे का मिलाप हो गया। हाँ। आओगी ना माँ? क्यों नहीं, ऐसे ही शुभ दिनों के लिए तो माँ जीती है। ये देखो माँ, ये है तुम्हारी होने वाली बहू की फोटो, पसंद है ना? जो भी अमन भाई वही स्वागत। अच्छा चलता हूँ मैं, मेरी दूसरी माँ इंतजार कर रही होगी। मैं भी कितना खुशकिस्मत हूँ जिसे आशीर्वाद देने के लिए दो माएं हूँ। जीते रहो बेटा। और फिर खुशी की बात ये है कि डॉक्टर रमा ने कहा मैं बहुत जल्द अच्छी होकर नाचने के काबिल बन जाऊंगी। सच? मेरी तो जान में जान आ गई है, लेकिन वर्मा के कर्ज का क्या होगा? तो क्या हुआ, हम लोग दोनों मिलजुल कर कमाएंगे और कर्ज चुका देंगे। हेलो शेरी। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? मच बेटर थैंक यू डॉक्टर। तुम्हें खुशखबरी सुना? हां, याद है जिस लड़के ने तुम्हें बताया था? जी, उसकी एंगेजमेंट हो रही है इस लड़की के साथ। कैसी है? ब्यूटीफुल। वो लड़का आपका कौन है? मेरा
बेटा ही समझ लो। बाय डॉक्टर। शेरी, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मैं अभी आता हूँ। अच्छी सुनो, जा तो रहे वो, लेकिन उसे यह भी बताया कि तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ है। नहीं, मां को सिर्फ इतना लिखा है कि मैं वहां आ रहा हूं और अब वहीं रहा करूंगा। तो क्या तुम्हारी बुझी हुई आंखों को अचानक देखकर मां का दिल बैठना जाएगा? मां का दिल मां का ही दिल होता है, उस पर जो गुजरेगी वो मैं जानता हूं। सिर्फ एक तसल्ली, माँ मेरी बुझी हुई आंखों को तो देख सकेगी, लेकिन माँ का बुझा हुआ चेहरा मैं ना देख सकूंगा। सुधीर, अंजू, ये दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो चुका है, अब यहाँ क्यों आई हो? सुधीर, क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारे आंखों के द्वार बंद होने से तुम्हारे लिए मेरे दिल के द्वार भी बंद हो गए? तुम्हें पता चल गया? प्रीतम, आखिर तुमने मुझे धोखा दिया, अपने वादे की लाश न रखी। प्रीतम को दोष मत दो, मुझे तो भोला ने सब कुछ बताया। सुधीर, क्या आंखें चले जाने से प्यार जैसा अमर बंधन टूट सकता है? अंजू, मैं इतना कमजोर नहीं कि अपने गम का बोझ किसी और पे डाल दूं, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस अंधेरे में मेरा साथ दो। सुधीर, सुधीर, मेरा अपमान न करो। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो दुनिया को मेरी आंखों से देख लो, और अगर तुम्हें ये बात मंजूर नहीं तो मैं अपनी आंखें फोड़ लूंगी। अंजू, अंजू, अरे अंजू। एक दिन होना था, होना था, होना था, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। दिल तो एक दिन होना था, होना था, होना था, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। हाय, प्यार तो एक दिन होना था, होना था, हो गया, हो गया, हो गया।
रमा से पूछो। मैं बताती हूँ बेटा। First you get out from here। मेरे साथ आओ। Okay। चलो। कौशल्या, तुम भी मेरे साथ आओ जरा। बेटा, आज का दिन सगाई के लिए शुभ नहीं। क्या हो गया दिन को? रमा, घबराहट में क्यों हो? मैंने कहा ना आज सगाई नहीं हो सकती। इतने मेहमानों को बुलाकर सगाई कैसे मुलतवी कर सकता हूं? सब जानना चाहते हो तो सुनो, दीपाली के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। मां, क्या हो गया तुम्हें? अगर ये रिश्ता नहीं हो सकता था तो मुझे आशीर्वाद देने तुम यहां क्यों आई? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा, हर कदम पर, हर मोड़ पर तकदीर मुझसे एक ना एक नया मजाक करती है। दीपाली के साथ तुम्हारी सगाई, मैं और कौशल्या तो क्या, सारा समाज, समाज भी क्या, खुद भगवान भी नहीं करवा सकता। ऐसी कौन सी रुकावट आ गई? दीपाली उसी बाप की बेटी है जिसके तुम बेटे हो। नहीं मां। हाँ बेटा, दीपाली तुम्हारे पिता की पहली बीवी की संतान है। नहीं मां, नहीं। काश तुम्हारे मुंह से निकली हुई नहीं सच होती, लेकिन लेकिन जो सच है उसे झूठ में मैं कैसे बदल दूं? अगर ये सच है तो फिर मुझे मर जाना चाहिए। अगर मैं जलना भी चाहूं तो आग मेरे पापी जिस्म को स्वीकार नहीं करेगी। धीरज बेटे, धीरज। अनजाने में किया हुआ पाप भगवान की नजर में पाप नहीं होता। लेकिन इंसानों की नजरों में तो मैं पापी हूँ। इतने सारे मेहमानों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? किस किस को बताता फिरूंगा कि दीपाली मेरी कौन होती है? अच्छा है मैं मर जाऊं, दुनिया की उंगलियों का निशाना तो ना बनूंगा। रुक जा बेटे, रुक जा। रमा, क्या दुनिया भर की पहली हमारी किस्मत में लिखी? बाहर लोग सगाई का ऐलान सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। नहीं, इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। लेकिन बेटी, लोग लाज के लिए किसी ना किसी से सगाई करनी ही पड़ेगी। मैं माँ, ये क्या हो रहा है? शांति बेटी, शांति। अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई ना कोई नाटक खेलना ही पड़ेगा। माँ, क्या बात है आंटी? मुझे वचन दो कि जो मैं तुमसे मांगूंगी
तुम इनकार नहीं करोगी। अंटी मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, फिर इनकार की गुंजाइश ही कहाँ है। तो सुनो, अभी अभी तुम्हारी सगाई प्रीतम के साथ करोगी। आंटी ये कैसे हो सकता है? जानती हूँ तुम्हारे लिए अनहोनी सी बात है, लेकिन मेरा भी तो तुम पर कोई अधिकार है। आंटी मेरे तन के टुकड़े टुकड़े कर दो, मेरे मन को मत तोड़ो। देखो अंजू, आज वो आंटी जिसने तुम्हें पार पोस कर इतना बड़ा किया, तुमसे भीख मांगे तो क्या तुम उसका दामन झटक दोगी? जीते जी तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन आंटी सुधीर का क्या होगा? अब तो मैं ही उसकी आंखें हूं। एक अंधे को दोबारा अंधा मत बनाओ आंटी। अंजू तुम्हारी गरज सिर्फ प्यार की गरज है, और मेरी गरज तुम्हारे प्यार से बहुत बड़ी है। ये बात है तो फिर मेरी जबान बंद रहेगी। आंटी तुम जो चाहो करो। अंजू मेरी प्यारी अंजू, मुझे तुमसे यही आशा थी। कौशल्या चलो मेहमानों के सामने प्रीतम और अंजू की सगाई का ऐलान कर दो। बेटी अंजू प्रीतम से सगाई के शुभ अवसर पर आशीर्वाद दीजिए। प्रीतम तुमने भी कुछ सुना? मैं पूछता हूं तुम्हारी सगाई अंजू से हो रही है या दीपाली से? जवाब दो। आपने जो कुछ भी सुना है वो सही है। सही है तो फिर मैं गलत था, मेरी आंखें नहीं थी, मैं अंधा था जो मैंने तुम्हें अपनी भांजी का जीवन साथी चुन लिया। प्रीतम सारी उम्र मेरी आंखों ने धोखा नहीं खाया, क्या सिर्फ तुम्हें पहचानने में मुझसे भूल हुई? प्रीतम दीपाली किसी और को चाहती थी, मैंने उसके दिल से किसी के बुत को निकालकर तुम्हारी तस्वीर बिठा दी, और तुमने आज अपने घराने की नजरों में मुझे जलील कर दिया है। आपका हर शिकवा हर ताना मैं खामोशी से सुनूंगा, मगर भगवान के लिए आप यहां से चले जाइए। जाता दुनिया की नजरों में सुरखरू होने आया था, लेकिन अपनी नजरों में छोटा होकर जा रहा हूं। दीपाली अंकल आओ बेटा, परदेश की हवा बहुत खा रही। मुबारक हो प्रीतम। मुबारक हो प्रीतम। ठहरो दोस्त, अंधे से आंख चुरा कर जा रहे हो, मेरी आंखें नहीं लेकिन तुम पास से गुजरे तो बेवफाई की बू इस कदर आई कि मैं समझ गया कि तुम हो। खामोश क्यों? कोई दलील, कोई बहाना, कुछ तो कहो। सुधीर मैं कुछ नहीं कह सकता। नींदा दिलेरी उन दोपहर की दोस्ती का यह सलाह दिया कि मेरे अंधे होते ही प्यार में ढाका डाल दिया। जा कहां रहे? जवाब तो देते जाओ। मैं जवाब दे चुका हूं। तो जवाब चले जवाब। अंजू अंजू तुम कहां हो? आओ आओ अपनी सगाई की मुबारकबाद तो ले लो। कौशल्या यही वक्त है, अभी ये राज खोल दो। नहीं मैंने कसम खाई थी ये राज मरते दम तक किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर प्रीतम कुछ कर बैठा तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। दीपाली उसी बाप की बेटी है
जिसके तुम बेटे हो। तो फिर मुझे मर जाना चाहिए। प्रीतम दीपाली किसी और को चाहती थी, मैंने उसके दिल से किसी के बुत को निकाल कर तुम्हारी तस्वीर बिठा दी और तुमने। ठहरो दोस्त, अंधे से आग चुरा कर जा रहे हो। उम्र भर की दोस्ती का ये सिला दिया कि मेरे अंधे होते ही प्यार में ढाका डाल दी। तो फिर मुझे मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। तुम कौन लाया मुझे यहाँ? ये डॉक्टर, ये नर्स किस लिए? मुझे मरने क्यों नहीं दिया? चले जाओ, सब चले जाओ। बेटा, बेटा, बेटा कहकर मुझे मेरी नजर में मत गिराओ। मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। मरना मारे तुम्हारे दुश्मन। तो क्या जीकर मैं जिंदगी भर दुनिया की उंगलियों पर निशाना बनूं? बेटे तुम जियोगे, तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। रमा बहन, आज मुझे कुछ कहना ही पड़ेगा। क्या बात है कौशल्या? भगवान का लाख लाख शुक्र है ये बच गया, वरना धोखे में अपनी जान दे बैठता। धोखा? हाँ बहन, वो धोखा जिसकी बुनियाद मेरे एक झूठ ने रख दी थी। झूठ? कैसा झूठ? भाग्य ने हमें ऐसे चक्कर में डाल दिया है। जिस रास को मैं अपने दिल में लेकर इस दुनिया से जाना चाहती थी, वो राज आज मुझे उगलना ही पड़ेगा। ये राज? सुनकर घबराना नहीं बहन, प्रीतम तुम्हारा नहीं, मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा? झूठ! प्रीतम को पालने के लिए मैंने तुम्हें दिया था। मैं इस बात से कभी इनकार करती हूँ, लेकिन बहन तुम्हारा बेटा तो 4-6 महीने में हैजे से मर गया। क्या कह रही हो माँ? नहीं नहीं नहीं, ये सोचकर कि ये खबर सुनकर तुम्हारे दिल को धक्का न लगे, मैं हर साल अपने बेटे की तस्वीर तुम्हें भेजती रही। प्रीतम और तुम्हारे बेटे में 1-2 महीने का ही फर्क था। अगर ये बात थी तो तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया? मैं कैसे बता देती? रमा बहन कितने अरमान लेकर तुम्हारी सगाई के लिए आई थी, उस खुशी के मौके पे मैं इसे ये कैसे बता देती कि इसका बेटा बचपन में ही मर चुका है। आखिर मैं भी औरत हूं, औरत के दिल का दर्द समझती हूं, और मुझे क्या पता था बात यहां तक पहुंचेगी। लेकिन लेकिन तुमने इतने बरसों तक इस बात को राज में क्यों रखा? बहन, ये बात छुपाने में मेरा अपना भी लालच था। हम लोग गरीब थे, तुम अपने बेटे के खर्चे के लिए जो रुपया भेजती थी, हमने सोचा अगर वो मदद बंद हो जाएगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा। अब तो इसे कुछ भी समझ ले, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूं, लेकिन प्रीतम मेरा बेटा है, मेरा बेटा, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटा है। उम्र भर झूठ मूठ किसी को अपनी संतान समझती नहीं, हर धोखा हर जुर्म मुझे पर होना था। प्रीतम तुम्हारा है, ले जाओ इसे भी, ले जाओ। मेरा कोई नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अब तो मुझे माँ कहकर क्यों बुलाता है? क्यों ना कहूँ, ये अधिकार कौन छीन सकता है मुझसे? जब मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति जो किसी को जन्म नहीं देती, लोग उसे माँ कहकर पुकार सकते हैं, तो क्या मैं एक जीती जागती औरत जिसने हर दुखी हर रोगी को अपना बेटा समझा, अपनी माँ कहकर पुकार नहीं सकता? एक एक मेरी ये माँ है जिसने मुझे जन्म दिया, और एक तू है जिसे ये बेटा उम्र भर अपनी मां समझेगा। बेटा, बेटे फौरन दीपाली के पास जाओ, न जाने वो क्या समझती होगी। अब दुनिया की कोई ताकत तुम दोनों को एक होने से नहीं रोक सकती। जाओ बेटे, जल्दी जाओ। प्रीतम, प्रीतम से मेरा क्या वास्ता? अब न सही कभी तो था, वो बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा दम तोड़ रहा है,
उसने मुझे भी माफ कर दिया है। मरने से पहले सिर्फ एक बार तुम्हें मिलना चाहता है। जाओ उससे कह दो वो अकेला नहीं मर रहा है, उसके साथ मेरी जिंदगी भी खत्म हो रही है। दीपाली, उसने मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। उसकी सगाई एक ढोंग थी, वो मजबूर था, लेकिन दीपाली अब वो अपने आखिरी वक्त में तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता है। वो तुमसे प्यार करता है दीपाली, वो अब भी तुम्हारा है। जल्दी करो दीपाली, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने दिल के अरमान दिल ही में लेकर इस दुनिया से रुखसत हो जाए। आओ। मेरी मंगनी एक ढोंग था। जिंदगी में कुछ ऐसे राज होते हैं जो बताए नहीं जाते। मैं तुमसे प्यार करता हूं
और सदा करता रहूंगा। प्यार तो एक दिन होना था, होना था।